हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्नम। और आज की इस वीडियो में हमें बात करनी है एक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो एनिमल फिजियोलॉजी की ये जो सीरीज चल रही है उसमें ये थर्ड लेक्चर है एक्शन पोटेंशियल का। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करी थी। जो हमारा सेकेंड सेक्शन था उसमें हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करी थी। और आज हमें बात करनी है एक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले जाके आप उन लेक्चर को देख लीजिए, इसके बाद आप स्विच करिएगा एक्शन पोटेंशियल पे। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं। अब क्या होता है कि अगर एक्शन पोटेंशियल के बारे में जानना है तो कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, हम पढ़ने के लिए तो पूरा एक्शन पोटेंशियल पढ़ लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाता है कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनका क्या मीनिंग है। तो पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो फर्स्ट जो है उसमें क्या है कि जो आपके सोडियम एंड क्लोराइड आयंस होते हैं ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलरी प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप न्यूरॉन की बात करेंगे तो न्यूरॉन के पास होगी सेल मेम्ब्रेन, उसकी दो सरफेस होती हैं, एक तो अपर सरफेस होती है, सेकंड होती है आपकी लोअर सरफेस या जिसे इनसाइड कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर सर्फेस होता है वहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है सोडियम का एंड क्लोराइड का। और जो आपका इंट्रासेलुलर पार्ट होता है या फिर आप मेम्ब्रेन के इनसाइड बात करेंगे तो वहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है आपका पोटेशियम आयन का, आयनाइज्ड नॉन पेनिट्रेटिंग मॉलिक्यूल एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल। सो देखो ये कुछ इस तरीके का है। जैसे आपकी ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसकी जो आउटर मोस्ट सर्फेस होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, जहां पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपका सोडियम का है। और जो आपकी लोअर सरफेस होती है या इनसाइड ऑफ सेल्स, यहाँ पर आपके रहते हैं पोटेशियम प्लस आपके होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। तो जब हम एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम दो आयंस के बारे में ज्यादा बात करते हैं, एक तो आपका सोडियम है पोटेशियम है। तो आपको कभी इस बात को लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये बात आपने एकदम सही कही कि इन पे जो है वो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये जो इनर सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अभी मैं आपको डिटेल में डायग्राम के फॉर्म में बताऊंगी, तो वो नेगेटिव होता है, फिर डीपोलराइजेशन होता है तो वो पॉजिटिव की ओर जाता है, फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन होता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज हम कहते हैं या हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन इनसाइड नेगेटिव चार्ज है, वो बेसिकली आपकी होती है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन की वजह से। क्योंकि जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो डोमिनेंटली कंटेन किए रहता है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के लिए, इसीलिए आपका जो इनर मोस्ट सरफेस एरिया है ऑफ सेल्स का या सेल के इनसाइड जो साइटोप्लाज्म है वो रिच होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। वो पोटेशियम की वजह से नहीं होता है, वो बेसिकली होता है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन की वजह से। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है वो बेसिकली किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो सिग्नल इंट्रीगेशन के लिए एंड सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए, स्पेशली इन न्यूरॉन सेल्स। तो होता क्या है कि जैसे एक नर्व सेल से, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी बॉडी में केवल एक ही न्यूरॉन से कि आपने यहाँ टच किया और आपको पता चल गया, या फिर आपने अपने फीट पे टच किया और आपका डायरेक्टली सिग्नल यहाँ आ गया। बहुत सारी न्यूरॉन सेल्स होती हैं तो ये आपस में कनेक्ट कैसे कर पाती है, ये बेसिकली करेक्ट कर पाती है इसी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना के थ्रू, जिसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। और जी एक्शन पोटेंशियल होता है, फिर उसके बाद आपके कुछ केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं साइनेप्टिक क्लैप में और उसके बाद वो सेकंड न्यूरॉन्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं इसके बारे में अभी हमें डिटेल में पढ़ना है, या आप ये बेसिक जान लीजिए। तो इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है वो बेसिकली काई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिग्नल इंटीग्रेशन के लिए एंड सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए, स्पेशली इन न्यूरॉन सेल्स। अगर आप इलेक्ट्रिकल फिनोमिना की बात कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेट करेगा केवल और केवल न्यूरॉन सेल्स में स्पेशली, ठीक है। फिर आपका जो थर्ड है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बेसिकली ये है आपका अपोजिट चार्ज का कॉम्पोजिशन। मीनिंग जब आपकी यहाँ पे आपने देखा ये नेगेटिवली चार्ज सरफेस थी या पॉजिटिवली चार्ज सरफेस थी, जब ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे के पास आके अट्रैक्ट होते हैं तभी जाके ये क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल मीनिंग आप चार्ज की बात कर रहे हो, और जब टू अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्रिएट करते हैं आपका पोटेंशियल। अब ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है इसको मापने वाली यूनिट होती है वोल्ट, या वोल्टेज ये बेसिकली कहलाता है। तो वोल्टेज को मापने वाली यूनिट है वोल्ट या मिली वोल्ट। तो इसीलिए जब भी हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो क्या है, एक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। तो इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम मापेंगे मिली वोल्ट में या वोल्ट में।
तो अगर हम लिखेंगे 1 मिलीवोल्ट तो ये इज इक्वल टू होगा 0.001 वोल्ट। नेक्स्ट जो है वो आपका आता है करंट फ्लो के बारे में, ठीक है। तो जो करंट फ्लो है या इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो बेसिकली कैसे फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस से। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है ये कैसे क्रिएट होंगे, जब डिफरेंट चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तब जाके ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। और वहीं पर यदि सिमिलर चार्ज है जैसे नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो रिपल कर जाएंगे और वो नेगेटिव जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्रिएट नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका करंट मैग्नीट्यूड। तो करंट मैग्नीट्यूड या फिर जो आपके पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो डिपेंड करता है एक तो मटेरियल की रेजिस्टेंस पे कि आपका मटेरियल किस तरीके का है। यदि आपका मटेरियल इंसुलेटर्स हैं या फिर वो कहीं ना कहीं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसके कुचालक या सुचालक है, ठीक है, तो वो इस पे डिपेंड करता है। तो ये जो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो ये मैंने आपको इसीलिए बताई है कि आपको एटलीस्ट एक्शन पोटेंशियल पढ़ने से पहले इनके बारे में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि सेल के आउटसाइड या इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फिनोमिना क्या है, इलेक्ट्रिकल फिनोमिना या जो आपकी पोटेंशियल यूनिट है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका जो करंट फ्लो है या जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है वो कैसे क्रिएट होते हैं, तो ये आप समझ गए। फिर सेकंड हमें बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जैसे आता है आपका पहला पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंसेस, हम बहुत पढ़ते हैं एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, लेकिन बेसिकली पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन। अगेन मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने पहले बताया और अगेन मैं फिर से उसको एक बार डिफाइन कर देती हूँ कि जब आपके दो चार्जेस रहेंगे स्पेशली अपोजिट चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव रहेंगे तभी जाके वो आपके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को क्रिएट करते हैं या पोटेंशियल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, वोल्टेज डिफरेंट बिटवीन द टू पॉइंट ड्यू टू द सेपरेट इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन। तो जो आपके अपोजिट आइंस होते हैं जो वोल्टेज को क्रिएट करते हैं वो ही बेसिकली आपके पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। सेकंड क्या है आपका, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब जो आपके वोल्टेज डिफरेंसेस हैं या जो आपके अपोजिट आइंस हैं वो जब सेल्स के पास इनसाइड या आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं तो उस तरीके का पोटेंशियल कहलाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है आपका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, इसको जरा ध्यान से समझो, इसको मैं एग्जांपल से आपको बता दे रही हूँ। जब हम क्या पढ़ते हैं, एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं, अभी मैं बेसिक बता रही हूँ और कुछ टाइम बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है कि एक चार्ज होता है आपका ये माइनस 90, ये माइनस 70 एंड ये होता है माइनस 60 मिलीवोल्ट। तो ये जो आपका होता है ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और बेसिक ये जो आपका है ये होता है आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक। तो ये क्या बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की। तो स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा कि जो पोटेशियम्स हैं उनमें कुछ लीकी आयंस होते हैं या लीकी चैनल्स होते हैं, ये जो लीकी चैनल्स हैं ये पोटेशियम का फ्लो हमेशा करते हैं, चाहे मेम्ब्रेन आपकी रेस्टिंग स्टेज में है तब भी आपका जो आयन का फ्लो है वो कंटिन्यूएशन में होता है। तो आपकी ये जो मेम्ब्रेन है जिसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 17 था, तो ये लीकी होने की वजह से होता क्या है, जैसे आपकी ये मेम्ब्रेन है यहां पर है आपके पोटेशियम आयन, जब ये बाहर की तरफ चले जाते हैं लीकी चैनल्स के थ्रू, क्योंकि लीकी चैनल्स क्या है बेसिकली वो तो हमेशा एक्टिवेटेड है, उनके लिए ना कोई स्टिमुलस चाहिए ना कुछ, तो ये लीक करते रहते हैं पोटेशियम का। तो जैसे ये लीक करेंगे तो यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज जब ऊपर जाएगा तो ये मोर नेगेटिव होगी, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज्ड आयन है मीनिंग जो आपका पोटेशियम है वो तो बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इनसाइड जो है वो नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ेगी, तो उस वजह से इसका जो चार्ज है वो घट के आ जाता है माइनस 90। और इसी स्टेज को आप इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि पोटेशियम जो है वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वो है इनसाइड लेकिन वो आउटसाइड जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेज में लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो आउटसाइड कॉन्सेंट्रेशन है वो पोटेशियम का कम है, इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम का ज्यादा है। तो जब ज्यादा से कम की तरफ वो जाता है तो वो क्यों जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, क्योंकि वो अपने आप को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है वो आती है आपके इक्विलिब्रियम पोटेंशियल में। तो जो कैल्शियम का लीकी चैनल्स के थ्रू उसका सिक्रेशन है इनसाइड टू आउटसाइड, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का। और वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है,
द वोल्टेज डिफरेंसेस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस फ्लक्सेस ऑफ अ गिवन आयन स्पीशीज दैट इज इक्वल बट द अपोजिट टू द फ्लक्सेस. मीनिंग इसी का ये है कि जो आपका ये पोटेशियम आयन है इनसाइड प्रेजेंट है ये अपनी अपोजिट साइड में जा रहा है अपने आप को इक्वल करने के लिए. तो इस तरीके का जो पोटेंशियल है वो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कहलाएगा. अगर आपको अभी ये बात नहीं समझ में आई है अभी जब मैं डायग्राम के थ्रू आगे हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ते हैं पोटेशियम इक्विलिब्रियम के बारे में, सोडियम इक्विलिब्रियम के बारे में, तो वहां पर ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी. तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं. अभी बस इतना ही सुनो कि जब भी आपके जो आयंस होते हैं चाहे सोडियम की बात करें या पोटेशियम की बात करें तो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो वो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे होते हैं जिसे कहते हैं जो पोटेंशियल क्रिएट कर रहे होते हैं जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. ठीक. फिर नेक्स्ट है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब क्या है, कोई स्टिमुलेशन नहीं मिला. जब ये अनस्टिमुलेटेड स्टेज में है तो वो कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. फिर नेक्स्ट है आपका ग्रेड पोटेंशियल. अब ग्रेड पोटेंशियल बेसिकली क्या है, ग्रेड पोटेंशियल होता है बेटा लोकल पोटेंशियल. लोकल पोटेंशियल क्या है, देखो क्या है यहीं पे देखिए, यहां पर आपकी मेम्ब्रेन जो है जब -70 mV इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तब जाके ये किस स्टेज में थी, ये थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली स्टेज में. अब हमने देखा क्या, जैसे इसको कोई स्टिमुलस मिला, जब इसको कोई स्टिमुलस मिला तो हो सकता है कि ये डायरेक्टली 60 mV पे चली जाए. यदि ये 60 mV पे जाती है तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के पास जाती है. लेकिन कई बार क्या होता है कि एक स्मॉल स्टिमुलस हमें मिला जो -60 तक नहीं गया, जो गया -65 तक, -68 तक. तो 70 से जैसे 68 गया, 65 गया, तो इसने थ्रेशोल्ड तो क्रिएट नहीं करा लेकिन आपका जो एम्पलीट्यूड था, वेरिएबल एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन, इसको एक तरीके से चेंज करा. मतलब आपने एक स्टिमुलस दिया, ये इतना छोटा स्टिमुलस था कि आपको पता नहीं चला. ऑल्दो जो आपका एम्पलीट्यूड है वो वेरी हुआ, प्लस में आपका जो ड्यूरेशन है एक्शन पोटेंशियल का उसमें भी इफेक्ट हुआ. तो इस तरीके के पोटेंशियल कहलाते हैं लोकल पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करते लेकिन जो एम्पलीट्यूड मतलब जो सेल मेम्ब्रेन में आपका पोटेंशियल चल रहा है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं. इस तरीके के पोटेंशियल कहलाते हैं ग्रेट पोटेंशियल. ये भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे तब समझ में आ जाएगा, परेशान बस होने की जरूरत नहीं है. ठीक. नेक्स्ट है आपका एक्शन पोटेंशियल. अब ये जो पूरा लेक्चर है ना एक्शन पोटेंशियल पे ही है. एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि जब कोई मेम्ब्रेन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे एक्टिवेट हो जाती है, डीपोलराइज्ड हो जाती है, रीपोलराइज्ड हो जाती है. मतलब एक्शन पोटेंशियल आप तभी कहेंगे जब दोनों फिनोमिना होंगे, एक तो आपका डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन. तो डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन के लिए पहले क्या, एक तो थ्रेशोल्ड फिनोमिना होना चाहिए, एक रिफ्रैक्टरी पीरियड्स भी होते हैं. तो ये सारे पार्ट है आपके एक्शन पोटेंशियल के, इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी बस आप इतना टर्म समझ ली. पोटेंशियल क्या है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंसेस है जो आपके वोल्टेज है, स्पेशली अपोजिट आयंस जो हैं वो आपके पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं. मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, जो आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड एंड आउटसाइड जो भी चार्जेस हैं, वोल्टेज डिफरेंसेस है, वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या है, मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस पे सोडियम है जब वो इनसाइड आने लगते हैं तो वे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को क्रिएट करते हैं. जो पोटेशियम आयन आउटसाइड जाने लगते हैं तो वो स्टेज आपके इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की कैटेगरी में कंसीडर करी जाती है. फिर है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अनस्टिमुलेटेड जो मेम्ब्रेन रहेगी. ग्रेट पोटेंशियल कुछ ऐसे पोटेंशियल होंगे जो थ्रेशोल्ड को पार नहीं करते लेकिन थ्रेशोल्ड के नीचे होते हैं. इनको कई बार सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी कहते हैं. ग्रेट पोटेंशियल कहते हैं, लोकल पोटेंशियल कहते हैं. फिर एक्शन पोटेंशियल जिसमें डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन की प्रोसेस होती है. ठीक. अब हम शुरू कर लेते हैं. सबसे पहले आप इसके बारे में भी जान लो. ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन मैंने यहाँ पे मेंशन करा है. जैसे आप एक्स्ट्रा सेलुलर यदि सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो आपका रहेगा 145 mmol/L. एक्स्ट्रा सेलुलरी इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत कम है. वो कितना है, सॉरी इंट्रा सेलुलरी इसका 15 है, एक्स्ट्रा सेलुलरी 145 है. फिर इसके बाद जब आप क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का एक्स्ट्रा सेलुलरी काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है कंपेयर टू इंट्रा सेलुलरी. एक्स्ट्रा सेलुलरी ये रहेगा आपका 100 mmol/L एंड जो आपका इंट्रा सेलुलरी रहेगा वो रहेगा 7 mmol/L. फिर है आपका पोटेशियम. पोटेशियम का जो है एक्स्ट्रा सेलुलरी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है और इंट्रा सेलुलरी जो है काफी ज्यादा होता है.
और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो आपकी मेम्ब्रेन्स रहेगी, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगी और आपका जो इंटरनल सरफेस रहेगा वो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चैनल्स के बारे में। अब देखो, एक्शन पोटेंशियल की जो शुरुआत है वो होती है आपकी मैकेनिकल चैनल से। तो बहुत सारे चैनल्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल आयन चैनल्स हैं, फिर आपके लीकी चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं। तो पहली कैटेगरी आती है मैकेनिकल आयन, और यहीं से आपके एक्शन पोटेंशियल की शुरुआत होनी है। कैसे, अभी पहले इसको बर्वली समझ लीजिए, फिर हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कैसे फंक्शन करते हैं। जैसे मैं हूँ और किसी ने, या फिर मैंने ही अपनी इस फिंगर में यहाँ पे टच किया, तो जैसे ही हम अपनी फिंगर में या स्किन या बॉडी के किसी भी हिस्से में टच करते हैं, तो ये सबसे पहले होते हैं आपके मैकेनिकल, ये क्या है आपके ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये स्ट्रेचिंग प्रेशर या टेंशन के थ्रू जो है एक्टिवेट होते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे ये आपके बेसिकली चैनल्स हैं, मैकेनिकल आयन चैनल्स। तो होगा क्या, जैसे ही किसी तरीके का इनको प्रेशर मिलेगा या फिर स्ट्रेचिंग होगी या टेंशन होगी, तो इनमें हल्का सा होता है डिसॉर्शन, और जो भी इनके आयंस रहेंगे उनको ये आउटसाइड या इनसाइड लेके आते हैं। अब इसको जैसे हम पढ़ते हैं सोडियम के कॉन्टेक्स्ट में, तो होगा क्या कि जैसे ही हमने कोई स्टिमुलस दिया, जैसे ही स्टिमुलस हमने दिया, तो स्टिमुलस में क्या होगा कि ये चैनल्स जो है ओपन होंगे डिसॉर्शन के थ्रू, और सोडियम जो है वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जो है आने लगेगा। ये आउटसाइड मेम्ब्रेन है और ये जो है आपकी बेसिकली ये इनसाइड रीजन है, ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड रीजन है। तो ये डिसॉर्शन के थ्रू बेसिकली एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही आपने हल्का सा ही टच करा, हल्का सा प्रेशर करा, स्ट्रेचिंग करी, थोड़ा सा मैकेनिकल कोई भी फोर्स आया, डिसॉर्शन हुआ, और सोडियम जो आयन है वो अंदर की तरफ आना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो बस इतना ही काम होता है मैकेनिकल चैनल का, लेकिन इनिशिएशन एक्शन पोटेंशियल का इसी के थ्रू होता है। ये ऐसा नहीं है कि पूरा यही है, लेकिन होता क्या है कि इनिशियली थ्रीशोल्ड जो है जो क्रिएट करना रहेगा वो बेसिकली इन्हीं के थ्रू होगा, कि सोडियम इन्हीं के थ्रू सबसे पहले एंटर होंगे, इनसाइड आएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करते हैं। सेकंड कैटेगरी है आपकी लीकी आयन चैनल्स की। तो लीकी आयन चैनल्स बेसिकली क्या होते हैं, इन्हें किसी भी तरीके की स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती, ये बेसिकली लीक करते रहते हैं। ये कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिनसे आयन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रेगुलरली होता रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक्शन पोटेंशियल में आपके पोटेशियम लीकी आयन चैनल्स, जिसमें क्या होता है कि जो आपके पोटेशियम इनसाइड प्रेजेंट है यहाँ पे, तो कॉन्टिन्यूस उसका जो सीक्रेशन है इन चैनल्स के थ्रू होता रहता है बाहर। और यही जो आपकी स्टेज है, ये जो लीकी आयंस चैनल होते हैं, यही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पोटेशियम को एक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस जो है इनसाइड से आउटसाइड जो है पोटेशियम को जाने देते हैं। अभी सब समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। तो आपके जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, इनका बहुत ज्यादा महत्व है एक्शन पोटेंशियल में। पहली चीज तो ये है, इन्हीं के थ्रू आपका जनरेशन होता है एक्शन पोटेंशियल का, क्योंकि नाम क्या है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ये किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही एक्टिवेट होंगे, और अगर उस वोल्टेज से कम है तो ये इनएक्टिवेट होंगे या क्लोज होंगे। तो अभी मैं वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में बताऊंगी कि वो कैसे काम करते हैं। तो पहला क्या है, ये जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल के लिए। सेकेंड क्या है, वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल आर द सेंट्रल फॉर मोस्ट एक्शन पोटेंशियल। बिल्कुल, बोथ चैनल जो है वो क्लोज होते हैं यदि आपकी मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज पे है, एंड डीपोलराइजेशन में ये जो है एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपका जो सोडियम चैनल है वो क्विकली ओपन होते हैं, एंड इनसे रैपिड इनफ्लक्स होता है सोडियम आयन का। और इन्हीं चैनल्स के थ्रू जब रैपिड इनफ्लक्स होता है, मतलब जो आउटर सरफेस पे सोडियम है, और जैसे ही आपके ओपन होंगे सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, तो सडनली सोडियम जल्दी जल्दी अंदर आता है, और यही चैनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोडियम को भी एक्विलिब्रियम पे लेके आने में। अभी क्या है, अभी आपको डायग्राम के थ्रू बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप ये सुनिए कि जो आपके सोडियम चैनल है वो क्विकली ओपन होते हैं, और वहीं पर जो आपके पोटेशियम चैनल है वो आपके ओपन होते हैं बहुत स्लोली,
क्लोज भी बहुत स्लोली होते हैं, उसी वजह से आपकी हाइपरपोलराइजेशन की स्टेज जो है वो क्रिएट होती है। फिर नेक्स्ट क्या है, जो सोडियम चैनल हैं उनमें कुछ इनएक्टिवेशन गेट होते हैं जो सोडियम के फ्लो को लिमिट करते हैं ड्यूरिंग रेस्टिंग एंड डीपोलराइजेशन स्टेज, पोलराइजेशन स्टेजेस, ठीक है। तो ये देखो ये डायग्राम है यहाँ पे। अब जब आप सोडियम की बात करेंगे, सोडियम वोल्टेज आयन चैनल, तो इनकी थ्री स्टेज होती है। एक तो होती है आपकी क्लोज स्टेज, दूसरी होती है ओपन जिसे आप कहते हैं एक्टिव स्टेज, एंड सेकंड लास्ट जो होती है वो होती है इनएक्टिवेट स्टेज। अभी होता क्या है, जैसे ही हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिला, जैसे आपने फिंगर को टच करा, जैसे ही टच करा तो क्या हुआ, जो आपके मैकेनिकल सोडियम चैनल थे उनमें डिसॉर्शन हुआ और जो आपके सोडियम का फ्लक्सेस है वो इनसाइड होना शुरू हुआ, मतलब इनसाइड फ्लक्सेस होने हो गए शुरू सोडियम के। जैसे ही आपका सोडियम अंदर की तरफ आया तो जो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अभी -17 था, और आपको पता है सोडियम जो है वो क्या है, वो है आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और सोडियम जैसे ही अंदर आना शुरू करेंगे तो ये -70 से घट के हो जाता है -60, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आई ना, पॉजिटिवली चार्ज जब अंदर आएंगे तो अंदर की सरफेस क्या थी, नेगेटिव थी, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है तो ये थोड़ा डिफरेंस होगा, जहां पर -70 था वहां पर घट के आ जाता है -60, और ये हो जाता है थ्रेशोल्ड कंडीशन में। और इसी -60 पे आपकी जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल होते हैं इसी वोल्टेज पे ओपन होना शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ये देखिए आपके ये है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। तो अभी ये आपके जो इसमें दो गेट होते हैं, ये जो होता है ये होता है आपका एक्टिवेटेड गेट या एक्टिवेशन गेट इसको कहते हैं, सेकंड होता है आपका इनएक्टिवेशन गेट, इनएक्टिवेशन गेट। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ही इसको थ्रेशोल्ड मिला -60 का, तो -60 पे ये होते हैं सेंसिटिव, तो ये ओपन होना शुरू होते हैं। तो ये ओपन किस तरीके से होते हैं, ये पार्शियली ओपन होते हैं, तो इनका जो एक्टिवेशन गेट है ये भी पार्शियली ओपन होगा और जो इनएक्टिवेशन गेट है वो भी ओपन हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से क्या होगा, सोडियम का फ्लो जो है इनसाइड मेम्ब्रेन आना शुरू होगा। लेकिन होता क्या है कि सोडियम जैसे ही आपके वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ये क्या है आपके गेट है बेसिकली, तो गेट जैसे ही ओपन होता है तो सोडियम जल्दी जल्दी से आना जो है शुरू हो जाता है। तो जैसे ये कुछ मिली सेकेंड का फिनोमिना है, एंड थर्ड सिचुएशन आती है आपकी इनएक्टिवेशन, जहां पर आपका एक्टिवेशन गेट तो ओपन रहता है लेकिन जो आपका इनएक्टिवेशन गेट है वो आपका क्लोज हो जाता है। तो बेसिकली ये सोडियम को अंदर आने तो नहीं देता, लेकिन अभी ये जो गेट है ये ओपन है, तो यही यहीं पे जो रहता है आपका सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है। तो ये गेट है जो थ्री सिचुएशन में होते हैं, पहला जो है आपका कंडीशन वो क्लोज रहेगा, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज में रहेगा, सेकंड जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड जो वोल्टेज है वो -60 पे पहुंचा तो ये आपके ओपन होना हो जाते हैं शुरू, कुछ इस तरीके से पार्शियली ओपन होते हैं, और जैसे ही पार्शियली ओपन होते हैं तो आपका सोडियम जो है वो अंदर आने लगता है, और ये जो आपका -60 है ये अब पॉजिटिवली चार्ज में पहुंचा देगा, तो कहां -30 +30 तक ये उसको भेज देता है। तो ये बेसिकली स्टेज होती है आपकी डीपोलराइजेशन की। फिर नेक्स्ट स्टेज, जैसे ही ये देखता है कि अरे मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, तो फिर ऑटोमेटिक इस वोल्टेज पे ये जो आपका इनएक्टिवेशन गेट है वो क्लोज हो जाता है, एंड एक्टिवेशन गेट स्टिल ओपन होता है, लेकिन उसके ओपन होने का ज्यादा एडवांटेज नहीं होता क्योंकि जो फ्लो है वो तो अब हो नहीं पा रहा है सोडियम का। फिर इसके बाद क्या होगा कि फाइनली ये जब रेस्टिंग स्टेज में दोबारा आएगा, मतलब कि रिपोलराइजेशन हो जाएगा, रिपोलराइजेशन की स्टेज में ये क्लोज होना बंद हो जाते हैं। अभी जब मैं पूरा फिनोमिना आपको एक्शन पोटेंशियल का बताऊंगी तो ये क्लियर हो जाएंगे। अभी बस आप ये जानिए कि आपके जो सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं उनकी थ्री स्टेज है, क्लोज है, ओपन है जिसे एक्टिव कहते हैं, थर्ड जो है वो इनएक्टिवेट है। तो क्लोज में आपके दोनों गेट क्लोज रहेंगे, ओपन में आपके जो एक्टिवेशन गेट एंड इनएक्टिवेशन गेट वो ओपन हो जाएंगे, और थर्ड जो स्टेज है इनएक्टिवेटेड, इसमें आपका जो इनएक्टिवेशन गेट है वो क्लोज होता है लेकिन एक्टिवेशन गेट जो है वो ओपन रहता है। फिर आप ये देख लीजिए आपका ये जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होते हैं, पहला
ये बहुत स्लोली ओपन होते हैं। जब डीपोलराइजेशन हो जाता है और उसके बाद जब एक पॉजिटिव पोटेंशियल प्लस 30 पे पहुंचता है तब इनको सेंस होता है अच्छा, तो ये आराम आराम से ओपन होते हैं और वैसे ही क्लोज होते हैं आराम से। तो इनका क्या है ना कि स्लोली ओपन एंड क्लोज होने की वजह से ही हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट होता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें केवल दो ही स्टेज है, या तो ये ओपन होंगे या तो ये क्लोज होंगे, इनमें कुछ एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन जैसी कोई सिचुएशन नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये एक ग्राफ है, क्योंकि हम बहुत सारे टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे डीपोलराइजेशन पढ़ते हैं, रीपोलराइजेशन पढ़ते हैं, हाइपर पोलराइजेशन पढ़ते हैं, हाइपोपोलराइजेशन पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है। तो स्टार्टिंग में क्या है, जैसे अभी कोई स्टिमुलस नहीं है, ये जो हैंड एंड में जैसे कोई अभी स्टिमुलस नहीं है, तो मेम्ब्रेन यहाँ पे जो है वो कैसी रेस्टिंग स्टेज में है। सडन हमने यहाँ पे एक स्टिमुलस दिया, तो जैसे ही हमने इसमें स्टिमुलस दिया तो हुआ क्या, जो आपके मैकेनिकल सोडियम आयन चैनल थे उनमें डिसॉर्शन हुआ और सोडियम अंदर आना शुरू हो गया। अब इसके पास दो ऑप्शन थे, या तो इसका जो पोटेंशियल है जो -17 पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, या तो फिर ये क्या करे थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए, मतलब 60 तक पहुंच जाए। यदि ये 60 तक, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं मेंशन कर दे रही हूँ, अगर ये -60 तक पहुंचा तो ये क्या है आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, और अगर ये -60 के नीचे है, -70 से ये जैसे 65 तक है, 68 तक है, तो वो क्या होगा आपका लोकल पोटेंशियल होगा या ग्रेट पोटेंशियल होगा, जहां पर होगा क्या कि ये सब थ्रेशोल्ड के नीचे का वोल्टेज है, जहां पे एक्शन पोटेंशियल नहीं ओपन होगा लेकिन जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है उसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा और जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है वो भी शिफ्ट होता है बेसिकली। तो सबसे पहले मेम्ब्रेन आपकी रेस्टिंग स्टेज में है, जैसे ही स्टिमुलस दिया सोडियम के जो मैकेनिकल आयन के थ्रू, मैकेनिकल चैनल्स के थ्रू सोडियम आयन अंदर आए और उनने थ्रेशोल्ड को चेंज करके वो लेके आए -60 पर। जैसे ही वो -60 पर लेके आए तो अब उस मेम्ब्रेन को एक थ्रेशोल्ड मिल गया है, जैसे ही उसको -60 का थ्रेशोल्ड मिला तो क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल हो जाएंगे एक्टिवेट, क्योंकि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल थे उनके लिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज एक्टिवेशन के लिए वो है -60 मिली वोल्ट। अब जैसे ही आपका ये एक्टिवेट हुआ तो पहली जो स्टेज आएगी वो है डीपोलराइजेशन की। अब डीपोलराइजेशन ही इसको क्यों कहते हैं, इसको डीपोलराइजेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब एक मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग स्टेज पे है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है मेम्ब्रेन के पास, तो वो क्या है, पोलार ही बेसिकली आपका पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जब अपोजिट आयंस जो हैं वो प्रेजेंट है इक्वली तब जाके वो पोलार स्टेज में है। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहां पर जो आपका नेगेटिव था वो लेस नेगेटिव बन रहा है, जब लेस नेगेटिव बन रहा है तो वो डीपोलराइजेशन होगा, मोर नेगेटिव बनेगा मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो वो बन जाएगा हाइपर पोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन बेसिकली -60 से शुरू होता है और यहाँ की ये वाली जो स्टेज होती है ये कई बार कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन की, ठीक है। तो आपका डीपोलराइजेशन हुआ, तो ये क्या हुआ, अभी ये नेगेटिव थी, अब ये पॉजिटिव की तरफ जो है शिफ्ट होने लगी, तो यहां पर जब ये जीरो पोटेंशियल पे आती है तो ये डीपोलराइजेशन की स्टेज पे है। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो ओपन है, उसी के थ्रू सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है और डीपोलराइजेशन हो रहा है। अब ठीक है, जैसे ही ये जीरो पे पहुंचा अब सडन क्या होगा, सोडियम चैनल यदि ओपन होता है और ये +60 तक पहुंचता है तो ये जो स्टेज है वो कहलाती है ओवरशूट, और इसे कई बार कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सोडियम। क्यों, क्योंकि जो आपका आउटसाइड सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था वो अब इनसाइड आ रहा है और अपने आप को कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम की स्टेज पे लेके आ रहा है, तो इसीलिए ये जो ओवर स्टेट है यहाँ पर सोडियम चैनल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल फुल्ली एक्टिवेट होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, इनसाइड आ रहा होता है सोडियम पूरा और अपने आप को एक्विलिब्रियम की स्टेज पे लेके आ रहा है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सोडियम एक्विलिब्रियम की स्टेज कहाँ होती है, तो वो बेसिकली आपकी डीपोलराइजेशन के बाद जब आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड पोटेंशियल हो जाता है तब होती है। अब क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हो गया, ओवरशूट भी हो गया, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बना, ये तो ये वाली जो स्टेज है ये है आपकी डीपोलराइजेशन, यहां पर है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। इसके आगे ले लीजिए, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बन गया, कोई नहीं। तो ये जो है ये डीपोलराइजेशन है, यहां पर आपका सोडियम का
इक्विलिब्रियम का पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, फिर उसके बाद आपकी हो जाती है शुरू रिपोलराइजेशन। अब रिपोलराइजेशन क्या है, जहां पर आपके पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो ओपन होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सोडियम कॉन्टिन्यूस अंदर आएगा तो वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल को क्रिएट करेगा, ठीक। तो उसको रोकने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए क्या होगा कि जब ये पॉजिटिव चार्ज, जो सोडियम का पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ आ रहा है वोल्टेज गेटेड आयन की तरफ, बहुत ज्यादा अंदर आया, तो ये जो पोटेशियम है जो अंदर की तरफ है, ये बाहर जाने लगता है आपका पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू। और जैसे ही जब ये बाहर जाने लगता है तो रिपोलराइजेशन की स्टेज जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि डीपोलराइजेशन सोडियम के थ्रू है, रिपोलराइजेशन आपका वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल के थ्रू, जब कैल्शियम पोटेशियम का आपका इन्फ्लक्स होता है तब जाके आपकी रिपोलराइजेशन की स्टेज आ जाती है। अब होगा क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको अभी याद है, कि जो आपके पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होते हैं वो स्लोली ओपन होते हैं, इसी वजह से ओवर शूट या ओवर स्टेट की जो है सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि ये आराम आराम से ओपन हो रहे होते हैं, तब तक सोडियम ने अपना काम कर दिया है और पोटेशियम के जो गेट है वो भी स्लोली क्लोज होते हैं। उसी वजह से होता क्या है कि यहाँ से आके इसको कायदे से यहाँ रुक जाना चाहिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, लेकिन हम क्या देखते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है और नीचे आ जाता है, मतलब जहां पे -17 पे इसको स्टेबलाइज हो जाना चाहिए वो हो जा रहा है -90 तक। तो ये जो 70 के बाद जो नीचे जितना पोटेंशियल शिफ्ट होता है वो कहलाता है आपका हाइपर पोलराइजेशन, और हाइपर पोलराइजेशन किस वजह से हो रहा है, पोटेशियम के इन्फ्लक्सेस की वजह से, और ये जो पोटेशियम का इन्फ्लक्सेस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन की वजह से। तो अब आप ये चीज समझ गए कि क्या है आपका डीपोलराइजेशन, क्या है ओवरस्टेट रिपोलराइजेशन। अब इसको फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जिस पे -70 पे आपकी मेम्ब्रेन जो है प्रॉपर रेस्ट कर रही है। इसके बाद कोई भी स्टिमुलस आएगा, आपके सोडियम मैकेनिकल चैनल है उनमें डिसॉर्शन होगा, हल्का सा डिसरप्शन होगा, और आपके जो सोडियम आयन है वो अंदर आना शुरू हो जाएंगे मेम्ब्रेन के, वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पे जाएंगे। यदि -60 पे गए तो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जहां पर आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर सब थ्रेशोल्ड है 65 68 है तो वो क्या है, लोकल पोटेंशियल है, जिसने आपके थ्रेशोल्ड को अचीव नहीं करा लेकिन सब थ्रेशोल्ड पे है, तो जो आपका एम्पलीट्यूड है उसको वेरिएट कर देता है, या फिर जो आपका ड्यूरेशन है शर पोटेंशियल का उसको डिले कर देता है, ठीक। फिर इसके बाद जैसे ही वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन हुए तो डीपोलराइजेशन बन गया। डीपोलराइजेशन जैसे ही शिफ्ट होता है पॉजिटिव की तरफ, यदि ये हाईली पॉजिटिव हो गया, +60 तक पहुंच गया, +70 तक पहुंच गया, तो ये है ओवर स्टेट। ओवर स्टेट ही आपकी इक्विलिब्रियम सोडियम पोटेंशियल स्टेज होती है, जहां पर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है इंटरनली। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका ये जो स्टेज थी जहां पर सोडियम इक्विलिब्रियम है, वहीं पर आपके वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल अब हो जाएंगे ओपन, और ये फटाफट क्या करेंगे, जो आपका पोटेंशियल इनसाइड है उसको आउटसाइड भेज देंगे। आउटसाइड जैसे ही भेजेंगे तो जो ये डीपोलराइज्ड थी अब ये रिपोलराइज्ड हो गई, रिपोलराइज्ड हो गई, स्टिल जो आपका पोटेशियम गेटेड आयन चैनल है वो स्लोली क्लोजिंग है, तब तक क्या होता है, ये धम्म से नीचे तक आके गिर जाती है, मतलब ये हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज को जो है क्रिएट कर देता है। तो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो मैं आपको टर्म्स को समझाना चाह रही थी कि डीपोलराइजेशन क्या है, रिपोलराइजेशन ओवर स्टेट क्या है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, डायग्राम के थ्रू मैं पूरे से आपको बताऊंगी कि कहाँ क्या स्टेज ओपन होने वाली है, तो आप समझ जाओगे। अब एक चीज और जान लीजिए, ये जो बेसिकली आपका पीरियड होता है बेटा, ये जो डीपोलराइजेशन से रिपोलराइजेशन के बीच का पीरियड होता है, ये होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा बेसिक जान लो कि जब आपकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड है और रिपोलराइजेशन के बीच का जो आपका टाइमिंग है वो एक ऐसा पीरियड है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, जहां पे ये सेकेंडली स्टिमुलेट नहीं होता। मीनिंग इसका यह है कि आप कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दीजिए, आपकी मेम्ब्रेन जो है दोबारा एक्शन पोटेंशियल में नहीं जाएगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपकी ये जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है डीपोलराइजेशन में, ये क्या है, एक्टिवेट है। जब तक ये इनएक्टिवेट होके रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाएंगे, क्योंकि कितनी स्टेज है, क्लोज है जो आपकी रेस्टिंग है, फिर आपकी एक्टिवेट है, फिर आपकी इनएक्टिवेट है, देन अगेन आपकी रेस्टिंग है। तो जब तक ये आपके क्लोज स्टेज में नहीं आएंगे, मतलब पहले एक्टिव हुए फिर इनएक्टिवेट हुए फिर क्लोज होंगे,
तब तक आपका कितना भी आप स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दो, एक्शन पोटेंशियल दोबारा क्रिएट नहीं होता है। तो इस तरीके का जो पीरियड है वो कहलाता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। सेकंड जो है वो कहलाता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है ये एब्सोल्यूट की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब एब्सोल्यूट पता है बिल्कुल वैसा था कि कोई हमसे नाराज हो जाए और इस तरीके से नाराज हो जाए कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होगा, या तो एक दिन होगा, दो दिन होगा, ऑटोमेटिक फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो ड्यूरेशन है 24 आवर का, 48 आवर्स का, वो मानेगा ही नहीं आप कुछ भी कर लीजिए। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड बिल्कुल वैसा है, आप कितना मन चाहे उसको स्टिमुलस दे दीजिए वो बिल्कुल नहीं मानेगा। वहीं पर जो आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली ऐसा पीरियड होता है जो आपका रीपोलराइजेशन से लेके हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज में होता है, जहां पर आपके जो सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो हो गए हैं इनएक्टिवेट और क्लोज की तरफ बढ़ने लगे हैं, और जो आपके पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो स्टिल एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पर अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दिया जाए तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी मेम्ब्रेन जो है वो अगेन एक्शन पोटेंशियल, या फिर हाँ एक्शन पोटेंशियल में जा सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में ऐसा नहीं होता। इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी पहले से ये छोटी सी मैंने दो लाइन डेफिनेशन आपको बता दी है कि अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन, अब तो आप समझ ही गए हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, लेकिन अगेन अब इसको थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में जान लो। वो क्या है कि इनिशियली जो मोर के प्लस आयन होते हैं लीकी चैनल्स के थ्रू जो है वो नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल नियर टू द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, मतलब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है मैंने अभी आपको बताया कि उसमें होता क्या है, बेसिकली जो आपके के प्लस आयन है इस तरह का, सॉरी जो आपके के प्लस आयन है वो लीकी चैनल्स के थ्रू रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज में बाहर की तरफ कॉन्टिन्यूस जाते रहते हैं। फर्स्ट थिंग, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कभी आप इक्विलिब्रियम के स्टेज में नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, ये भले है कि बरबली हमने कह दिया रेस्टिंग है मतलब एक्शन पोटेंशियल नहीं हो रहा, लेकिन आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है। क्यों? क्योंकि लीकी आयन चैनल्स के थ्रू इसके पोटेशियम ऑल टाइम बाहर जाते हैं, और इसी पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए जो सोडियम है वो भी बिल्कुल माइन्यूट इंटरनली आते रहते हैं, मतलब जो सोडियम है उसका इफ्लक्स होता रहता है, प्लस जो आपका पोटेशियम है उसका इफ्लक्स होता रहता है, एंड जो सोडियम है उसका इनफ्लक्स होता है बिल्कुल माइन्यूट में। तो उसी वजह से जो है ये आपकी इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं है, बस ये आपकी रेस्टिंग स्टेज है जहां पर एक्शन पोटेंशियल का फिनोमिना नहीं हो रहा है, स्टिल जो आयंस है वो आपके अंदर बाहर आ जा रहे हैं। और इसी को जो है बैलेंस्ड करने के लिए, क्योंकि अभी एक्शन पोटेंशियल में मैंने आपको बताया कि एक मेम्ब्रेन है, पोटेशियम जो है वो आपके बेसिकली बाहर जाएंगे और जो आपके सोडियम है वो अंदर आएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये जब ये अंदर बाहर का फिनोमिना होता है तो ये जो पोटेशियम है मान के चलो ये पूरे बाहर चलेगा, पूरे तो नहीं जाते लेकिन एक्शन पोटेंशियल के दौरान ये बाहर चलेगा, और सोडियम जो है वो आपके अंदर आ गए। लेकिन फिर बाद में एक ऐसा भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए जो इनको एज इट इज नेचुरल स्टेज में लेके आए, तो वो होता है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। जब आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब जो आप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फंक्शन या ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं आपकी यूनिट सेकंड में, आई थिंक सो, हाँ सेकंड में ही, तो जब आप सेकंड में आप सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगी, स्टिल आप इतना जान लीजिए जो आपका एक्शन पोटेंशियल है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको नेचुरल स्टेज पे आयन को लेके आने के लिए आपके सोडियम पोटेशियम एटीपीएज ही काम करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप ही काम करता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो आउटसाइड का पोटेशियम है उसको वापस इनसाइड लेके आएगा, और जो आपका इनसाइड का सोडियम है उसको वापस आउटसाइड लेके जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बेसिकली पहले तो आपकी ये स्टेज होती है नियर इक्विलिब्रियम, जिसे नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट करता है। सेकेंड जो है वो है आपका कि ये जो ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं होती, क्योंकि वहां पर इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स सोडियम एंड पोटेशियम आयन का होता रहता है। अब सेकंड है आपका एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इसको मैंने इतनी बार बताया फिर सुनो, जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रैपिडली होने वाला मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और ये कहां तक जाता है, अप टू 100 मिलीवोल्ट। ये जो है ये आपका माइलिनेटेड नर्व फाइबर के केस में बता रहे हैं,
नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर के केसेस में इतना नहीं होता, क्योंकि हम अभी ये पढ़ेंगे भी कि एक्शन पोटेंशियल इन माइलिनेशन एंड एक्शन पोटेंशियल इन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, 1 to 4 milliseconds तक का ही होता है। अब नेक्स्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो अब मैंने डिटेल में आपको बर्वली पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बता दिया, और अब यहाँ पर हम डायग्राम के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल इन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में कैसे जनरेट होता है। अब सबसे पहले नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स जहाँ पर स्वान सेल्स या फिर जो माइलिनेशन शीट है उनका फॉर्मेशन नहीं होता। माइलिनेशन कई के थ्रू होता है, स्वान सेल्स के थ्रू होता है। होता क्या है, अभी जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो स्वान सेल्स है उनका लेयर्स जो है वो क्रिएट हो जाता है, तो वो बन जाते हैं माइलिनेशन। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, नॉन माइलिनेशन के बारे में। तो इसमें एक्शन पोटेंशियल कैसे होगा, सबसे पहले आपको कोई स्टिमुलस मिला, फिंगर पे आपने टच किया, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये है आपके मैकेनिकल सोडियम आयन चैनल। जो ये मैकेनिकल सोडियम आयन चैनल है, तो आपका सोडियम कहाँ प्रेजेंट था, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट था, तो ये अब अंदर आना शुरू हो गया। जब ये अंदर आना शुरू हुआ तो अभी आपकी मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग स्टेज पे थी, जहां पर आपका पोटेंशियल था -70। अब ये कम होके हो गया कितना, -60। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, पॉजिटिवली चार्ज अब इनसाइड आएंगे, इनसाइड नेगेटिवली चार्ज ज्यादा था, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है तो कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये -70 की जगह हो गया -60। -60 पे क्या होगा, आपके जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल थे वो हो गए ओपन। इसको यहां से समझ लीजिए, अभी ये क्लोज थे, अब ये हो गए आपके पार्शियली ओपन। जैसे ही आपके पार्शियली ओपन हुए तो यहां पर जब सोडियम है ये हो गया अंदर की तरफ आना, तो अंदर की तरफ की जो मेम्ब्रेन है वो हो गई पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन एट द सेम टाइम आउटर मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज भी हो जाती है। क्यों नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि सोडियम जो उसके कॉन्सेंट्रेशन या पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन कर रहा है वो अंदर की तरफ आ गया। तो ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज होके पहुंच जाती है जीरो, फिर उसके बाद पहुंच जाती है +30 पे। तो ये जो जीरो है ये बेसिकली डीपोलराइजेशन की स्टेज हो रही है, और जैसे जब हाईली पॉजिटिव पहुंच जाता है तो वो ओवर स्टेट हो गया। अब होगा क्या बेटा कि यहाँ पर ये नॉन माइलिनेशन है, ये एक्टिवेट हुआ, तो जैसे मान के चलो ये एक पोर्शन है आपका न्यूरॉन सेल्स है, उसका ये फर्स्ट पार्ट है जहां पर आपके तो यहाँ इस वाले पर वो तो सब जगह होते हैं आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। तो ये जो पोर्शन है सबसे पहले मैकेनिकल स्ट्रेस मिला, ये एक्टिवेट हुए, सोडियम आया अंदर, और फिर उसके बाद जैसे ही सोडियम अंदर आने लगा ज्यादा तो क्या होगा, ये जो आपके गेट है ये बेसिकली क्लोज हो जाते हैं। ये आपका एक्टिवेशन गेट स्टिल ओपन रहेगा, लेकिन जो आपका इनएक्टिवेशन गेट है वो हो जाता है आपका क्लोज। तो इस तरीके से होता क्या है कि आपकी यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल है वो हो गया जनरेट। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हुआ तो छोटा सा जो सोडियम अंदर की तरफ है ये डिफ्यूज होके आता है दूसरे पार्ट पे। जैसे ही ये डिफ्यूज होके दूसरे पार्ट में आता है तो ये दूसरे पार्ट में एक्शन पोटेंशियल को क्रिएट करने लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये वाला जो पार्ट है ये जाने लगेगा आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज में। क्योंकि मैंने एक बार आपको बताया था, शायद ये बताई या नहीं बताई है, कि जैसे ही आप स्टिमुलस देते हैं तो इसका यूनिडायरेक्शन फ्लो होता है। कभी भी जो आपकी सेल बॉडी है वो ऐसा नहीं होता कि दोनों तरफ एक्शन पोटेंशियल चल रहा हो, केवल इसका यूनिडायरेक्शन फ्लो होता है। उसी वजह से ज़रूरत क्या होती है कि यहाँ पर तुरंत रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होना चाहिए और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल। तो जैसे ही एक्टिव स्टेज में आएगा ये आपका रेस्टिंग फेज में जाना जो है शुरू हो जाता है। तो वो यहाँ पे है कि इनिशियली यहाँ पर जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट था, और ये वाली जो मेम्ब्रेन थी ये रेस्टिंग स्टेज में थी और ये डीपोलराइजेशन के लिए शुरू हो रही थी। ठीक, फिर इसके बाद ये जो थर्ड स्टेज है यहाँ पर आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन बिल्कुल पूरे तरीके से रेस्टिंग फेज में है। तो ये थ्री पार्ट समझ लीजिए न्यूरॉन का। फर्स्ट अगर इनिशिएशन हुआ एक्शन पोटेंशियल का, ये इनिशिएशन के लिए शुरू है, और ये यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है टोटल तरीके से रेस्टिंग स्टेज में है। तो पहले डिसॉर्शन हुआ,
सोडियम मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल के थ्रू अंदर आए, उसके बाद आपका जो सोडियम है वो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो एक्टिवेट हुए। जैसे ही एक्टिवेट हुए तो फ्लो हुआ सोडियम का और यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, डिफ्यूजन हुआ सोडियम का और सेकेंड पार्ट में तैयारी हो गई एक्शन पोटेंशियल जनरेट की। थर्ड पार्ट जो है वो स्टिल जो रेस्टिंग स्टेज में है। अब आप ये दूसरे पोर्शन को देखिए, ये बोई वाला पोर्शन है। बस मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जो है वो मूव करता है। तो यहाँ पर तो पूरा फिनोमिना हो गया था, अब यहाँ से जब इसके सेकंड पोर्शन में शिफ्ट करा तो देखिए यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल अगेन जनरेट हुआ। कैसे? कि ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल थे यहाँ पर ओपन होना हो गए थे, शुरू पहले क्लोज थे। जैसे ही सोडियम का इस तरीके से डिफ्यूजन हुआ यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड मिला जो -60 पे था और इन्होंने इसको ओपन करा और आपके जो सोडियम का डिफ्यूजन था वो इनसाइड हुआ और आपकी जो मेम्ब्रेन है वो बेसिकली क्या हुई, एक्टिवेट हुई, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है ये अभी कहाँ, रिफ्रैक्टरी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, मतलब एक्शन पोटेंशियल वहां से हो गया है लेकिन अभी आपके जो सोडियम गेटेड आयन चैनल थे वो प्रॉपर क्लोज नहीं हुए लेकिन वो इनएक्टिवेट स्टेज में आ गए हैं। तो ये जो है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड है और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो अगेन प्रिपरेशन में आ गई है कि अब हमें इसको सोडियम का जो डिफ्यूजन है इस पार्ट में होगा और मेम्ब्रेन जो है आपकी एक्शन पोटेंशियल करना शुरू करेगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में। तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में कैसे एक्शन पोटेंशियल होता है ये आप समझ गए। अब हमें नेक्स्ट बात करनी है माइलिनेशन, ठीक है। तो जो आपका माइलिनेशन है वो बेसिकली कैसे होता है, वो होता है आपकी स्वाइन सेल्स के थ्रू। होता क्या है कि जैसे ये जो है ये क्या है आपका, ये है न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन के ऊपर कुछ ये स्वान सेल्स होती हैं जो एक लेयर बना लेती हैं और ये जो स्वान सेल्स है इस तरीके से लेयर बनाती है कि आपका पूरा न्यूरॉन कवर हो जाता है। तो इस तरीके के न्यूरॉन्स को हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। लेकिन इनमें बीच में कुछ गैप होते हैं और ये जो गैप है ये कहलाते हैं नोड ऑफ रेनबियर। और नोड ऑफ रेनबियर है उनमें हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है सोडियम का और यहाँ पर जो सोडियम गेटेड सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स जो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेशन या लार्ज नंबर में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का। अब इनमें एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है, इनमें एक्शन पोटेंशियल बिल्कुल वैसे ही होता है, बस इसकी मैकेनिज्म हल्की सी डिफरेंस है कि सबसे पहले कोई स्टिमुलस आया, जैसे ही कोई स्टिमुलस आया तो जो आपके मैकेनिकल सोडियम आयन चैनल्स थे उनमें डिसॉर्शन हुआ, सोडियम अंदर की तरफ आना शुरू हुआ। अब जैसे ही आपका सोडियम अंदर की तरफ आना शुरू होगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होगा क्योंकि एक थ्रेशोल्ड पे जाएगा जो था हमारा -60 और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्रिएट होगा। अब जैसे ही ये थ्रेशोल्ड यहाँ पे आएगा तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर पूरे में आपके जो है आयन चैनल्स या फिर जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स है वो प्रेजेंट नहीं है, ये एक पर्टिकुलर गैप पर ही प्रेजेंट होते हैं। और यही ब्यूटी है आपकी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की, क्योंकि जैसे यहां से आपका स्टिमुलस यहां तक ट्रेवल करेगा, जैसे ही आपका ये स्टिमुलस है इस तरीके से ट्रेवल करा और यहां पर लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम आए ना, तो क्या होगा कि जो इनफ्लक्स है सोडियम का जो आउटर से इनर मेम्ब्रेन की तरफ आ रहे थे बहुत लार्ज नंबर में आते हैं, तो यहाँ पर जो है एक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा या डीपोलराइजेशन बहुत ज्यादा लेवल में होता है, डीपोलराइजेशन बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, हल्का सा जैसे ये डीपोलराइजेशन हुआ तो ये एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करेगा इतने रीजन में और अगेन यहाँ पर जो है फिर लार्ज नंबर ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होंगे और सडन जो डीपोलराइजेशन है वो बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे हल्का रिपोलराइजेशन होगा और फिर यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन है तो फिर से एक्शन पोटेंशियल या जो डीपोलराइजेशन है वो बढ़ जाता है। तो होता क्या है, ये बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता, ये बहुत कम स्पेस होता है 1 to 2 millimeter का। तो ये जो स्पेस है या फिर ये जो डिस्टेंस है बहुत कम है। तो होता क्या है कि सडन आपका जैसे ही स्टिमुलस या जो पोटेंशियल है वो ट्रेवल करता है इतनी स्पीड में और यहाँ पे से फिर सोडियम का इनफ्लक्स जो है ज्यादा मिल जाता है तो डीपोलराइजेशन। फिर थोड़ा सा ट्रेवल करा, अगेन इनफ्लक्स ज्यादा हुआ, डीपोलराइजेशन। तो इस तरीके का जो कंडक्टेंस है ये बहुत जल्दी जल्दी होता है और इसी तरीके के कंडक्टेंस को आप कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्टेंस, जिसमें होता क्या है कि जो आपका एक्शन पोटेंशियल है वो ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रहा होता, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इस तरीके से मूव कर रहा होता, मतलब जंप कर रहा होता है। क्यों जंप कर रहा होता है,
क्योंकि इसमें जो सोडियम चैनल है वो गैप पे ओपन गैप पे प्रेजेंट है और प्लस में लार्ज नंबर में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये बढ़ता है कि डीपोलराइजेशन सडन बढ़ा, फिर डीपोलराइजेशन सडन बढ़ा, और जो रेन आपके नोड ऑफ रेनवियर होते हैं वहाँ पर पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स जो हैं बहुत माइन्यूट होते हैं या एब्सेंट होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। इसी वजह से ना ही यहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन की प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर पूरी मेम्ब्रेन में आपके आयन का फ्लो नहीं होता है, एक पर्टिकुलर जगह, जैसे इतनी ही जगह पे आपके आयन का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आयन का फ्लो है, यहाँ पे आयन का फ्लो। तो इस स्टेज में होगा क्या, जो आपकी एटीपीज है, सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप, उसको भी कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि केवल इतनी स्पेस पे करना है, इस स्पेस पे करना है, इस स्पेस पे करना है। थर्ड थिंग क्या है कि इसका जो स्टिमुलस है वो बहुत लार्ज होता है। लार्ज कैसा, ये ट्रेवल बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि यहाँ पर इसको बस इतना ट्रेवल करने के बाद सडन डिपोलराइजेशन एंड अगेन फिर डिपोलराइजेशन। तो इस तरीके से जो आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है वो हाईली बेनिफिशियल होता है फॉर एक्शन पोटेंशियल के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एक्शन पोटेंशियल या बहुत से ऐसे रिस्पॉन्सेज है, जैसे मैंने आपको बताया जो सेंसरी या मोटर रिस्पॉन्सेज होते हैं जो तत्काल देने पड़ते हैं बॉडी के लिए, तो उस सिचुएशन में आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो है वो हाईली बेनिफिशियल होते हैं। तो आपका जो वो पूरा मैकेनिज्म एक्शन है वो सिमिलर होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, पहला तो आयन का फ्लो इसकी पूरी मेम्ब्रेन पे नहीं होता, केवल जो नोड ऑफ रेनवियर है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल प्रेजेंट है वहां पर फ्लो होगा। सेकंड थिंग इज दैट यहां पर जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो बहुत लार्ज होता है, डीपोलराइजेशन जो है वो सडन होता है, तो इस वजह से ये हाईली बेनिफिशियल होते हैं। और माइलिनेशन में क्या था कि इस तरीके का कुछ नहीं था, वहां पे सीधा आपका जो आयन फ्लो है या जो सोडियम आपके आयन है वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है आ जा रहे थे। अब समझ में आया कि माइलिनेशन एंड नॉन माइलिनेशन क्या है। अब नेक्स्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही एक्शन पोटेंशियल का, जहां पर मैंने यहाँ पे पूरा लिख भी दिया है और ये पूरा ग्राफ है, तो ये हम सेकंड टाइम समझ लेते हैं, इसी बहाने हमारा रिविजन हो जाएगा। तो पहले तो गेट थे आपके या चैनल्स थे, तो चैनल कौन कौन से थे, एक तो मैकेनिकल था, आयन चैनल्स थे एंड वोल्टेज गेटेड चैनल थे। मैकेनिकल आयन चैनल्स क्या था, बेसिकली जैसे ही टच करा थोड़ा डिजॉर्शन हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ, और आपके जो सोडियम आयंस थे वो अंदर की तरफ आना शुरू हो गए। तो अभी आपकी मेम्ब्रेन जो -70 पे थी, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे थी, वो आपकी थ्रेशोल्ड पे पहुंची। थ्रेशोल्ड आपका क्या है, -60 मिलीवोल्ट पे है, ठीक। जैसे ही ये थ्रेशोल्ड पे पहुंची तो उसके बाद अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होना शुरू हो जाते हैं और आपका जो डीपोलराइजेशन का स्टेज है वो क्रिएट हो जाता है। और ये जो फोर्थ है, ये जो है आपका मैक्सिमम डीपोलराइजेशन है, जिसे ओवर स्टेट भी कहते हैं, और यहीं पर आपकी सोडियम इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है वो क्रिएट हो जाती है। और इस तरफ क्या होगा, जो आपके वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल है वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं, एट द सेम टाइम सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो है वो इनएक्टिवेट होते हैं, नॉट क्लोज, इनएक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये क्लोज, तो आपका ये डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन की तरफ आ गया, और जो आपके वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स थे, मैंने आपको बताया था कि वो स्लोली ओपन होते हैं एंड स्लोली ही वो बंद होते हैं। उस चक्कर में होता क्या है कि हाइपर पोलराइजेशन की जो स्टेज है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये जो स्टेज है ये बेसिकली होती है इक्विलिब्रियम ऑफ के। तो जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नीचे का पोटेंशियल होता है -80 -90, वो इक्विलिब्रियम ऑफ के पोटेंशियल स्टेज भी होती है, एंड जो आपका जो ये मैक्सिमम होता है, ओवर स्टेट होता है, ओवर शूट होता है, वो आपकी सोडियम इक्विलिब्रियम स्टेज होती है। अब ये पढ़ लीजिए, इसमें क्या है, स्टेडी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नियर द इक्विलिब्रियम ऑफ के। यहाँ पर जो के प्लस आयन का सिक्रेशन है वो लीकी चैनल्स के थ्रू जो है कॉन्टिन्यूस होता रहता है। तो जो आपका -70 है वो नियर होता है इक्विलिब्रियम स्टेज के, वो के रिगार्डिंग, पोटेशियम के रिगार्डिंग, ठीक। नेक्स्ट क्या है, जो लोकल मेम्ब्रेन जो है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बाय द पोलराइजिंग स्टिमुलस, थर्ड जो है करंट थ्रू द ओपनिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल रैपिडली डीपोलराइज द मेम्ब्रेन एंड कॉजिंग मोर सोडियम चैनल ओपन। बिल्कुल वो ही है, जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा, जैसे ही आपके थ्रेशोल्ड को अचीव करेगा आपका पोटेंशियल और डीपोलराइजेशन हो जाएगा। डीपोलराइजेशन होने के बाद जब रीपोलराइजेशन की स्टेज आती है तो क्या, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल एंड डिले ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल।
ठीक है। तो डीपोलराइजेशन जैसे मैक्सिमम होता है, ओवर स्टेट की कंडीशन आएगी तो सिचुएशन में क्या होगा, जो आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, एट द सेम टाइम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल ओपन होना शुरू हो जाते हैं। फिफ्थ जो आपका स्टेज है ये वाला, इसमें क्या है कि वोल्टेज गेटेड जो आपके पोटेशियम आयन चैनल है रिपोलराइज द मेम्ब्रेन एंड बैक टू द नेगेटिव पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज गेटेड, यहां से जैसे ही आपके वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल ओपन होना शुरू हो जाता है तो ये मेम्ब्रेन को क्या करता है, जो आपकी मोर पॉजिटिव हो गई थी उसको वापस लेके आता है बेसमेंट तक, मीनिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक, और इसको अगेन जो कर देता है नेगेटिव। फिर जो आपका सिक्स्थ है, मतलब यहाँ की बात हो रही है, ये क्या है, ये बेसिकली आपका हाइपर पोलराइजिंग स्टेज है जो कहीं ना कहीं क्या करता है आपके वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल को ओपन करते हुए ये हाइपर पोलराइजेशन में आएगा। सडन जो है वो आपके पोटेशियम जो है उसका इफ्लक्स हो जाता है, और इफ्लक्स होने के बाद जो मेम्ब्रेन, क्योंकि ये स्लोली क्लोज हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी से जितना भी आपका पोटेशियम है वो बाहर की तरफ जा रहा है, और जब तक ये बंद होता है तो क्या होता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग पोटेंशियल की जगह हाइपर पोलराइजेशन स्टेज पे चली जाती है, जो -80 -70 माना जाता है। और बाकी आपका जो सेवन पार्ट है यहाँ पे, ये तो अभी क्या हुआ, जब आपके पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल थे तो ये पोटेंशियल को खींच के 70 के और -90 तक लेके आया था, लेकिन अगेन जैसे ही आपके वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल जो है वो क्लोज होंगे तो ये -70 पे पहुंच जाता है। तो आपको समझ में आ गया, पहले क्या है आपका, पहले है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -70 है, लेकिन वहीं पर आपके पोटेशियम लीकी आयन चैनल्स के थ्रू वो जो है अंदर की तरफ बाहर की तरफ जाते रहते हैं, और उसी वजह से आपका के इक्विलिब्रियम स्टेज क्रिएट होता है जो -80 या -90 पर माना जाता है। फिर उसके बाद आपका थ्रेशोल्ड स्टेज आता है जो -60 पर है, फिर डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है +30 तक जाता है तो ये ओवर स्टेट होता है, फिर अगेन पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन हो जाएंगे एंड रिपोलराइजेशन की स्टेज आ जाएगी और ये स्लोली क्लोज होंगे। चक्कर में होता क्या है कि जहां रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रिपोलराइजेशन होने के बाद ये सीधा हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज में पहुंचता है, और अगेन जैसे ही आपके पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है वो क्लोज होंगे उसके बाद जो है आपका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जो है आ जाती है आपकी मेम्ब्रेन। तो ये पूरा फिनोमिना होता है, और ये डीपोलराइजेशन देन रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन का फिनोमिना ही आपका कहलाता है एक्शन पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल आपका बेसिकली क्या था, जब आपके आयंस जो हैं वो अपोजिट चार्ज के हैं तो वो पोटेंशियल हो गया, लेकिन एक्शन पोटेंशियल क्या है, जब वो डीपोलराइजेशन करे, रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। तो आई होप कि अब ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड पे। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है बिल्कुल वैसा सा है कि आप, कोई आपका फ्रेंड है जो आपसे नाराज हो गया, अब आप कितनी भी कोशिश कर लो वो मानेगा ही नहीं, बिल्कुल ये वैसा सा होता है। तो जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, मतलब जो आपकी डीपोलराइजेशन वाली स्टेज होती है, जब आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन होते हैं और ये इक्विलिब्रियम की स्टेज पे पहुंचते हैं, ओवर स्टेट की पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो तब जाके आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो चल रहा होता है। तो ये बेसिकली एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट के टाइम का है। सेकंड क्या है, इसमें सोडियम चैनल जो है वो ओपन है और सोडियम की जो परमेबिलिटी है वो हाई है। तो इस सिचुएशन में जब ये सिचुएशन बनती है कि आपकी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आयन ओपन है और प्लस में परमेबिलिटी जो है सोडियम की, मतलब बाहर से अंदर की तरफ बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आ रहे हैं, तब आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड माना जाता है। फिर इसके बाद क्या है, इसमें सेकेंड स्टिमुलस जनरेट होता ही नहीं है। ना होने का रीजन क्या है, क्योंकि जब आपका स्टिमुलस जनरेट होता है जो आपका एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करा है, उसके लिए एक सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है सोडियम आयन का पहले क्लोज होना, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे वो ओपन रहेंगे। लेकिन जब वो ऑलरेडी ओपन है, वो इनएक्टिवेट ही नहीं हुए, वो रेस्टिंग स्टेज में ही नहीं गए, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कितना ही लार्ज स्टिमुलस इसमें दे दीजिए, कितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस इसमें दे दीजिए,
अगेन एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है क्योंकि आपके जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आयन है वो ओपन है, सोडियम की परमेबिलिटी रिमेन हाई है। अब जब तक ये इनएक्टिवेट नहीं होंगे, जब तक ये पूरे तरीके से क्लोज नहीं होंगे, तब तक दोबारा आपका एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये कुछ वैसा सा है, ये एब्सोल्यूट के जैसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन ये करता क्या है, ये कब स्टार्ट होता है, जब आपकी मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन से हाइपरपोलराइजेशन की स्टेज में है। मतलब अब आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल इनएक्टिवेट है, क्लोज अभी भी नहीं है लेकिन इनएक्टिवेट है। एट द सेम टाइम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल आपके ओपन है। तो ये बेसिकली जब आपकी आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन की स्टेज होती है तब ये पीरियड जो है वो कंडक्ट होता है। अब ये इसका जो है टाइमिंग वो 15 मिली सेकेंड्स का होता है और इसमें सम सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स जो हैं वो रेस्टिंग स्टेज में होते हैं लेकिन नॉट ऑल, मतलब ये इनएक्टिवेट होते हैं बेसिकली, ठीक है, पूरे तरीके से क्लोज नहीं हुए होते हैं। और जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो कहीं ना कहीं वो ओपन ही होते हैं और वो क्या करते हैं कि अपोजिंग सोडियम एंट्री एंड मेकिंग रीचिंग द थ्रेशोल्ड हार्डर। तो बेसिकली इस स्टेज में होता क्या है, जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड की बात करें तो आप बस इतना याद रखिए कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो बिल्कुल ओपन है और सोडियम की परमेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो होगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। और जब आपकी रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड की बात हो रही है उस टाइम क्या है कि आपके जो सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो इनएक्टिवेट हो चुके हैं, थोड़ा सा सोडियम जो है अंदर बाहर हो रहा है लेकिन एट द सेम टाइम पोटेशियम का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल पूरे तरीके से ओपन होते हैं। तो इस तरीके का जो कहलाता है वो रहता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, आपको करना क्या है कि ये क्वेश्चन मैं जैसे ही ओपन करूंगी आप वीडियोस के लिए 1 to 2 मिनट के लिए पॉज करिए और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए पहले, फिर इसके बाद मैं जो है आपको इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी और इसका क्या आंसर है वो भी बताऊंगी। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, अ नर्व फाइबर कैन नॉट बी स्टिमुलेट ड्यूरिंग एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टरी पीरियड। बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड टोटली डिपेंड ऑन द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम। और दूसरा बात क्या है कि जो सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो स्टिल ओपन है, तो उस तरीके की सिचुएशन जो है वो है आपकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड की। तो अब इसके ऑप्शन देख ले रहा है, पहला क्या है, सोडियम परमेबिलिटी रिमेन हाई, अब पहले में ही हमें इसका आंसर मिल गया। सेकेंड पढ़ लेते हैं, सेकेंड क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप डज नॉट ऑपरेट। ये तो कुछ दुख ही नहीं बन रहा है क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड का सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप से कुछ लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल से, प्लस में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन है तो हाई तो रहेगा ही, तो बस उतना है। अब थर्ड क्या है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन, ये अलग लेवल की बात हो गई। अब ये कैल्शियम तो हमने एक्शन पोटेंशियल में पढ़ा ही नहीं, जब हम न्यूरॉन मेम्ब्रेन की बात करते हैं यहाँ पे नहीं होता, हाँ जब हम कार्डियक एक्शन पोटेंशियल में आपको पढ़ाऊंगी तो वहां पर कैल्शियम आयन का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई कहानी ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। फिर क्या है आपका, पोटेशियम कंडक्टेंस जो है रिमेन लो, तो पोटेशियम की भी बात नहीं होती। पोटेशियम की बात कब होगी, जब हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड की, लेकिन पहले ही मेंशन है अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में, तो बस आपको अगर इतना ही पता है कि इस स्टेज में वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल पूरे तरीके से ओपन होते हैं तो आप ऑटोमेटिक पहला आंसर जो है इसका पिकअप करते हैं, और इसका आंसर भी फर्स्ट है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है आपको पढ़ने के लिए, अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं कि किस वजह से है आप एक बार देख लीजिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लो, अब देखो जब आप बड़े क्वेश्चंस देखते हैं ना तो उनको देख के डरने की जरूरत नहीं होती, ये इतने सिंपल कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होने वाला है, पहले आप ये देखिएगा। तो ये इसके ऑप्शंस भी हैं, क्वेश्चन क्या है, एक्शन पोटेंशियल वाज रिकॉर्डेड इंट्रासेलुलरी फ्रॉम स्क्विड जाइंट एक्सोन। अब ये स्क्विड जाइंट एक्सोन क्या है, स्क्विड जो है वो बेसिकली एक सी एनिमल है जिसपे बहुत सारी स्टडीज हुई हैं नर्वस सिस्टम की, तो मोस्ट ऑफ आप देखेंगे CSIR जब भी किसी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछता है तो इसी न्यूरॉन्स पे पूछता है, ठीक है। तो इसमें करा क्या है उन्होंने कि जो आपका स्क्विड जाइंट एक्सोन था, बात
इन टू टाइप ऑफ फ्लूइड. पहला आपका जो फ्लूइड है वो है आपका सी वाटर फ्लूइड, एंड सेकेंड जो है वो है आपका आर्टिफिशियल सी वाटर जिसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ सोडियम आयन की. ठीक, तो अब आपको पता है कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है जिसमें दो बाथ लिए गए हैं, पहला जिसमें सी वाटर है. अब सी वाटर है तो आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, और इन्हें देखो मेंशन भी कर दिया है सिंपल बनाने के लिए कि जो आर्टिफिशियल वाटर है उसमें सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है कंपेयर टू सी वाटर. एंड इसको मेंटेन भी करा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर को विथ क्लोरीन क्लोरीन क्लोराइड, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पे ही ये मेन इन्फॉर्मेशन है. द नेचर ऑफ एक्शन पोटेंशियल वॉज डिफरेंट इन टू बाथिंग फ्लूइड. बिल्कुल सही बात है, जब एक में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एक में कम है तो एक्शन पोटेंशियल तो बिल्कुल डिफरेंट होगा. तो ये एक्सप्लेनेशन है और इन्हीं में से हमें चूज करना है कि कौन सा एक्सप्लेनेशन एक्यूरेटली इसको जो है जस्टिफाई कर रहा है. तो क्या समझे आप, एक एक्सोन है या दो एक्सोन लिए गए हैं, स्क्विड जायंट एक्सोन है बेसिकली आपके, और दो आपके पास बात है. फर्स्ट जो है उसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम बहुत ज्यादा है जो सी है, सी वाटर फ्लूइड है. सेकेंड जो है वो आर्टिफिशियल फ्लूइड है उसमें क्या है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है. तो अब देखो, एक तो आपको अगर इतना ही पता है कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो बेसिकली किसके थ्रू होता है, वो होता है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन के थ्रू. मतलब सोडियम आयन का अंदर आना, वो भी ज्यादा अंदर आना बहुत जरूरी है क्योंकि मैकेनिकल रिसेप्टर के थ्रू भी सोडियम आ रहे थे अंदर, लेकिन वो केवल उतने ही अंदर आ रहे थे कि थ्रेशोल्ड तक जा रहे थे. लेकिन अगर आपको एक्शन पोटेंशियल करना है तो हाईली परमिएबिलिटी होनी चाहिए सोडियम की. अगर आपको यही बात पता है तो उतने में ही ये सॉल्व हो गया. पहला क्या है, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाज नॉट चेंज बट द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज विथ लोअर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन. क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा अगर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई. अगर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन के बगैर एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता तो जो हमने इतना फिनोमिना पढ़ा, हमने इतनी मेहनत करी, हम वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल को एक्टिवेट कर रहे हैं, इनएक्टिवेट कर रहे हैं, उसकी थ्री स्टेज को पढ़ रहे हैं, हम क्यों? तो ये तो एकदम ही इनकरेक्ट है कि ये बिल्कुल उल्टी ही इनने बात कर दी कि एक्शन पोटेंशियल ये बढ़ा रहे हैं लेकिन सोडियम कॉन्सेंट्रेशन जो है कम है. सेकेंड क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल वॉज ग्रेजुअली डिक्रीजेज with the reduction of sodium concentration in bathing fluid but the duration of action potential was prolonged. ये बात उन्होंने एकदम सही कही. क्यों? पहली चीज तो ये है, action potential definitely इसका decrease होगा अगर sodium की concentration कम है. अगर sodium की concentration कम है, जैसे एक ये fluid आपका एक्सोन है, इसको आपने एक बाथ में डाला, अब होगा क्या, बाहर जो इसका external environment है वहां वह sodium की concentration कम. तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब एक्शन पोटेंशियल भी आपका रिड्यूस होगा, और एट द सेम टाइम ये क्या कह रहे हैं, बट द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल वॉज प्रोलॉन्ग्ड. ये भी उनने बात सही कही. क्यों? क्योंकि जब आप एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो पहले आपको -63 शोल्ड पे जाना रहता है, यहाँ पे -70 पे है, तो होगा क्या कि यहाँ पर जो है ड्यूरेशन वो इस तरीके से प्रोलॉन्ग्ड होगा. हो सकता है कि पहले जो है सोडियम केवल इतने ही अंदर आए मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल के थ्रू कि उन्होंने लोकल पोटेंशियल को क्रिएट करा, फिर अगेन थोड़ी सी आए, फिर लोकल पोटेंशियल, एक टाइम ऐसा आया कि वो एक्शन पोटेंशियल कर ही गए क्रॉस. लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम है उस वजह से ये जो ड्यूरेशन है एम्पलीट्यूड का ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो गया. क्यों? क्योंकि एक बार स्टिमुलस, सेकेंड बार स्टिमुलस सोडियम क्योंकि कम है तो कम आ रहे हैं, तो ये बात एकदम सही है. थर्ड क्या है, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वॉज डिक्रीजेस एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल वॉज ऑल्सो डिक्रीजेस विद लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम. इसमें क्या कह रहे हैं वो, कि द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वॉज डिक्रीजेस एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल वॉज ऑल्सो डिक्रीजेस. ये कैसे होगा, मैंने आपको बताया एक्शन पोटेंशियल में दो फिनोमिना है, रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन. जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में है तो वो एक्शन पोटेंशियल नहीं कर रही है मतलब है, और जब वो एक्शन पोटेंशियल कर रही है मीनिंग वो रेस्टिंग स्टेज में नहीं है. तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर रेस्टिंग स्टेज में है
तो मतलब एक्शन में भी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि वही इनकी बात है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वॉज डिक्रीजेज एंड द एप्टीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल वॉज ऑल्सो डिक्रीजेज। ऐसा कभी नहीं होता, या रेस्टिंग में रहेगी या एक्शन में होगी। यदि रेस्टिंग इंक्रीज है तो एक्शन डिक्रीज होगा, यदि एक्शन इंक्रीज है तो रेस्टिंग जो है वो डिक्रीज होगा। फोर्थ क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल वॉज नॉट चेंज विद द रिडक्शन ऑफ सोडियम कॉन्सेंट्रेशन। ये तो अलग ही लेवल की बात कर दी कि सोडियम कम है या ज्यादा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक्शन पोटेंशियल पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको बस इतना ही पता था कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है वो हाईली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्रिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो उसी इन्फॉर्मेशन से आप इसको इजीली सॉल्व कर पा रहे थे। तो आपने देखा इसमें कोई भारी भरकम ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं था कि ऐसा कंसेप्ट जिसे हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, बिल्कुल सिंपल सा था। तो उसमें इसमें जो सेकेंड आपका ऑप्शन है वो एकदम सही है कि एक्शन पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, और क्योंकि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है एंड जो ड्यूरेशन है या फिर जो एम्पलीट्यूड ड्यूरेशन है एक्शन पोटेंशियल का वो प्रोलॉन्ग्ड होगा। क्यों? कम कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से। हो सकता है पहले थ्रेशोल्ड की जगह सब थ्रेशोल्ड को इसने अचीव किया हो, फिर धीरे धीरे करके बाय चांस ये थ्रेशोल्ड पे गया हो। तो इसका आंसर है बी, ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो आपको पढ़ने के लिए है। अब थर्ड पे हम पहुंचते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसको जरा देखो, पहले आप इसको पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करिए, फिर मैं इसको सॉल्व कराती हूँ। अब देखो पढ़ लेते हैं, ये क्या है, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ जायंट स्क्विड एक्सॉन रिकॉर्डेड इंट्रासेल्युलरी एट द रेस्टिंग स्टेज कंडीशन। तो ये हमें पहले से ही पता है कि जो रेस्टिंग स्टेज कंडीशन है वो क्या है, -70 mV, ठीक है, वॉज रिवर्स्ड एट द पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ओवर स्टेट की बात हो रही है। आफ्टर द स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व्स विद द थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिस ओवर। तो आगे की जो कहानी है ना वो बस एक्शन पोटेंशियल को बता रही है कि पहले जो आपकी मेम्ब्रेन थी वो रेस्टिंग स्टेज पे थी, फिर वो एक्शन पोटेंशियल पे आई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या पूछ रहा है कि जो ओवर स्टेट है, ओवर स्टेट मैंने बताया था जब +30 जीरो के ऊपर, जैसे ही +35 या +60 पे रहेगा वो ओवर शूट स्टेज होती है या ओवर स्टेट होती है। तो ओवरशूट ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैज बीन एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग प्रपोज्ड स्टेटमेंट। तो अगर आपको ओवर स्टेट याद है, क्या बताया था मैंने ओवर स्टेट, ओवर स्टेट एक ऐसी स्टेज है जहां पर वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल बिल्कुल कंप्लीट तरीके से ओपन थे, प्लस में सोडियम अचीव कर रहा था इक्विलिब्रियम स्टेज को। तो ये जो पूरा फिनोमिना है ये कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये अगेन आपकी सोडियम परमेबिलिटी पे प्लस वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल पे ही शिफ्ट कर रहा है। तो इसमें हमें क्या देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। पहला क्या है, द रैपिड इंक्रीज इन सोडियम कंडक्टेंस ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल यूजेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू मूव टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम। एकदम सही बात है, जैसे ही रैपिड इंक्रीजमेंट हो गया सोडियम कंडक्टेंस का, और ये कैसे होगा, जब वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल आपके ओपन होंगे तो रैपिड होगा, रैपिडली परमेबिलिटी बढ़ेगी आपकी सोडियम की इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। और उस स्टेज में क्या होगा, सडनली जो आपका आउटसाइड मेम्ब्रेन पे सोडियम था वो इनसाइड आने लगा, तो डिफ्यूजन हुआ, और हुआ क्या कि आपका जितना ही बाहर था उतना ही अंदर होने की कोशिश कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम की स्टेज को लेके आ रहा है, यही आपका ओवर स्टेट होता है। तो ये आंसर एकदम सही है। अब सेकंड पढ़ते हैं, द सोडियम कंडक्टेंस क्विकली डिक्रीजेस। अब ये बात यहीं पे खत्म हो गई, अगर सोडियम कंडक्टेंस क्विकली डिक्रीजेस हुआ टूवर्ड्स द रेस्टिंग लेवल आफ्टर द पीक ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ सोडियम आयन आर नॉट एबल टू अटेन द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल विद दिस शॉर्ट टाइम। तो पहली चीज तो यह, जब हम ओवर स्टेट की बात करते हैं तब हम कहीं ना कहीं सोडियम कंडक्टेंस को इंक्रीज की बात कर रहे हैं, हम डिक्रीजेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो एकदम रॉन्ग है। अगर सोडियम का कंडक्टेंस क्विकली डिक्रीज हुआ है इसका मतलब ये है कि मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग स्टेज में है, रिपोलराइजेशन स्टेज पे है, वो बिल्कुल भी एक्शन पोटेंशियल या सोडियम इक्विलिब्रियम या ओवर स्टेज की स्टेज पे नहीं है। थर्ड क्या है, द कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम एट द अर्ली फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज इंक्रीजेस एंड दैट लीड टू द रिवर्स ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब अगेन मैंने बताया कि जब आपका, देखो इन्होंने क्या कहा था, कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम एट द अर्ली फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल,
अभी कितनी गलत बात कही। पहली चीज तो ये एक्शन पोटेंशियल तब तक नहीं होगा जब तक सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड ज्यादा हो और पोटेशियम की कम हो। लेकिन अगर आप पोटेशियम के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं मतलब एक्शन पोटेंशियल का तो नाम ही यहाँ नहीं होना चाहिए। और सेकंड थिंग इज दैट ओवरशूट में पोटेशियम का एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये अगेन रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, द इंक्रीज ऑफ पोटेशियम कंडक्टेंस ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ नर्व अकर्स बिफोर द चेंजेस ऑफ सोडियम कंडक्टेंस इज इनिशिएटेड एंड दस causes overshoot at the peak of action potential। बिल्कुल गलत बात है। increase of conductance of potassium, अगर increase होता है potassium conductance में या potassium की permeability inside of cell membrane, increase है इसका मतलब क्या है, या तो ये hyperpolarization की stage है या तो ये फिर repolarization में आ रहा है, ये overstate की बात नहीं है। तो overstate में यदि आपको simply इतना ही पता था कि voltage gated sodium ion channel open है, सोडियम की परमेबिलिटी इनसाइड बहुत ज़्यादा होगी और कहीं ना कहीं सोडियम जो है वो एक्विलिब्रियम स्टेज पे या एक्विलिब्रियम पोटेंशियल पे जाके जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो ही आपका ओवर शूट है और आपका जो पहला स्टेटमेंट है केवल वो ही सही है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर है। तो देखो आप खुद देख रहे हैं कि कितना छोटा छोटा सा कंसेप्ट इसमें आ रहा है। ओवर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, और ऐसे ही एनिमल फिजियोलॉजी में बिल्कुल ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते, ऑल्दो उनको ट्रिकी इस तरीके से बना देते हैं। अगर आपको अपना कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर है, अगर आपको पता है कि डीपोलराइजेशन क्या है, रीपोलराइजेशन किस में कौन सा फिनोमिना हो रहा है, तो आप इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस इनको थोड़ा आराम से पढ़ने की ज़रूरत होती है, प्रॉपर पढ़ने की ज़रूरत होती है कि स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रहा है। अब चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, देखो इसका आंसर वन है और ये एक्सप्लेनेशन है आपके लिए। अब फोर्थ क्वेश्चन है ये, इसको जरा देख लो एक बार, इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। इसमें भी हमें क्या स्टेटमेंट देखने है, करेक्ट। अब आप देखिए जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो आपको सबसे पहले ये देखना रहता है कि वो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, बाद में ऑप्शन भी पढ़ लिए, फिर देख रहे हैं अच्छा करेक्ट है इनकरेक्ट है, अब फिर दोबारा ऑप्शंस पढ़ते हैं ये देखने के लिए कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। हम क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले यही देखना चाहिए कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे करेक्ट सिचुएशन पूछ रहा है या इनकरेक्ट सिचुएशन पूछ रहा है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, एन एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व फाइबर इज डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंट कंपोनेंट इंक्लूडिंग आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। तो जो आपकी एक्शन पोटेंशियल है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट थे, आपका एक तो थ्रेशोल्ड था, फिर थ्रेशोल्ड के बाद डीपोलराइजेशन था, ओवर स्टेट था, रीपोलराइजेशन था, हाइपर पोलराइजेशन था, यही वाले कंपोनेंट थे। तो ये बात क्या हो रही है, हाइपर पोलराइजेशन, आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन वाली। द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ दिस आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन हैज बीन प्रपोज्ड इन फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो हाइपर पोलराइजेशन में आपको सडन क्लिक हो गया होगा कि मतलब मैं बात कर रही हूँ कि पोटेशियम का कंडक्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पर पोटेशियम का कंडक्टेंस बहुत ज्यादा है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल ओपन थे, उस वजह से जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर पोटेशियम था वो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर जाने लगा था और उसने क्रिएट कर दी थी हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज। तो अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहला स्टेटमेंट इसका क्या है, द इंक्रीज कंडक्टेंस ऑफ सोडियम हैज रिटर्न टू द वेस्ट लाइन लेवल बट द कंडक्टेंस ऑफ पोटेंशियल रिमेन एलिवेटेड ड्यूरिंग आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। अब देखो ये स्टेटमेंट जो है ना, CSIR ने इसको कितने ब्यूटीफुली ड्रॉ करा है। अगर हमने केवल इतना ही सोच के रखा ना कि अच्छा पोटेशियम जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसको देख के लगा दो, तो ये आप गड़बड़ कर दोगे। अब इसको देखो सुनना, ये क्या कह रहा था, इंक्रीज कंडक्टेंस ऑफ सोडियम हैज रिटर्न टू द बेसलाइन लेवल। इसका मतलब क्या है, इसने क्या बात कही कि एक्शन पोटेंशियल सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, एक्शन पोटेंशियल हुआ और वो बेस लाइन पे भी वापस आ गया। मतलब इस लाइन का कोई मतलब नहीं था, स्टिल कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने हमें दे दिया, उन्होंने बस ये बात कही है। इसको ऐसे समझ लो कि आपका ये एक्शन पोटेंशियल हुआ, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन हुआ और वापस ये फिर से बेस लाइन पे आ गया, मतलब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन
पोटेंशियल वाली स्टेज पे या रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज पे आ गया, तो ये इसका मतलब है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या है, बट द कंडक्टेंस ऑफ के प्लस आयन रिमेन एलिवेटेड ड्यूरिंग आफ्टर पोलराइजेशन, एकदम सही कहा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइपर पोलराइजेशन किस स्टेज में होता क्या है, जो आपके वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं वो क्लोज करने में थोड़ा सा टाइम लेते, उस चक्कर में होता क्या है ना कि पोटेशियम जो है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ी ही रहती है, तो जहाँ पे उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज पे स्टेबलाइज हो जाना चाहिए था, उसका और जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो जाता है, -70 की जगह -नेगेटिव हो जाता है, -90 हो जाता है, और हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज क्रिएट हो जाती है। और ये किस वजह से होती है, क्योंकि आपके जो पोटेशियम आयन चैनल्स हैं उनका कंडक्टेंस जो है वो हो रहा है, मतलब कि वो जो इनर साइड से आउटर साइड उनकी परमेबिलिटी कॉन्टिन्यूएशन में हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। सेकंड क्या है, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज पुल्ड इवन क्लोजर टू द के प्लस आयन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एट आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन, ये भी एकदम सही है। आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन में क्या है, हाइपर पोलराइजेशन हुआ फिर आपके जो सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो हो जाते हैं क्लोज, जैसे ही वो क्लोज हो जाते हैं तो आपका जो पोटेंशियल है जो अभी -90 पे आया था हाइपर पोलराइजेशन की वजह से, बाद में वो -70 पे शिफ्ट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पुल्ड होता है इवन क्लोजर टू के प्लस आयन इक्विलिब्रियम, एकदम सही उन्होंने ये बात कही कि 70 पे जैसे ही -90 की बात होगी तो ये क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम के प्लस आयन, पोटेशियम के प्लस आयन जो है उसकी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल स्टेज कहलाती है। थर्ड जो है वो क्या है, द कंडक्टेंस ऑफ सोडियम इज इंक्रीज बिफोर एनी चेंजेस ऑफ पोटेशियम के प्लस आयन कंडक्शन ड्यूरिंग आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। अब पहली चीज तो ये है कि अगर सोडियम का कंडक्टेंस ज्यादा होगा तो एक्शन पोटेंशियल की बात होगी, हाइपर पोलराइजेशन कैसे आ गया, हाइपर पोलराइजेशन में के प्लस आयन का कंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए और सोडियम कंडक्टेंस जो है वो कम होना चाहिए, तब जाके आपका हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज जो है वो बनती है। डी क्या है, आफ्टर द हाइपर पोलराइजेशन फेज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ड्राइविंग क्लोजर टू के सोडियम आयन इक्विलिब्रियम, ये तो एकदम ही उल्टी बात कर दी, ऐसी उल्टी बात कर दी, ये क्या कह रहे हैं कि आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन जो सोडियम इक्विलिब्रियम है वो अचीव होता है, वो कैसे अचीव होता है भाई, ये तो यहाँ जो सोडियम इक्विलिब्रियम है ये यहाँ अचीव हो रहा था, मतलब जब डीपोलराइजेशन था वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल आपके ओपन थे और यहाँ पर जो है आपका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल सोडियम के लिए अचीव कर रहा था। तो ये आपने देखा, अगर आपको इतना ही पता है ना कि हाइपर पोलराइजेशन में क्या हो रहा था, कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल इनएक्टिवेट थे, क्लोज नहीं थे, लेकिन हाँ क्लोजिंग स्टेज पे आ रहे थे, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल जो है वो ओपन थे और जो आपका पोटेशियम का फ्लो था इनसाइड से आउटसाइड की तरफ वो हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, तो उस सिचुएशन में बनता है आपका हाइपर पोलराइजेशन। तो उसी से जो है आप ये दो स्टेटमेंट पकड़ लेते और आंसर जो क्या है वो ए एंड बी है। आपने देखा इसमें भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं था और ये 2017 का क्वेश्चन है। कई बार बच्चे बड़े बड़े स्टेटमेंट देख के सोचते हैं कि कैसे सॉल्व करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एनिमल फिजियोलॉजी की ब्यूटी यही है कि अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप सारी चीजों को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका ए क्वेश्चन ये आंसर जो है वो ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लो एक बार, इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। इसमें अगेन सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही निकालना है। तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, द कंडक्टेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर वॉज मच ग्रेटर देन द अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, एकदम सही है, सेम डायमीटर भी है। अगर पहली चीज तो ये है, जो कंडक्टेंस एक्शन पोटेंशियल का वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहला करता तो थ्री फैक्टर्स पे है, पहला आपका कौन सा है कि डायमीटर क्या है, यदि लार्ज डायमीटर हुआ तो लार्ज एक्शन पोटेंशियल होगा, स्मॉल डायमीटर हुआ तो स्मॉल एक्शन पोटेंशियल होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये किस चीज पे डिपेंड करता है, सेकंड ये डिपेंड करता है कि माइलिनेशन पे, यदि आपके माइलिनेटेड नर्व फाइबर है तो वो एक्शन पोटेंशियल को ज्यादा क्रिएट करेंगे और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कम एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। तो इनमें क्या कहा है, डायमीटर सेम है लेकिन एक माइलिनेटेड है दूसरा नॉन माइलिनेटेड है, और पहले ही इनने मेंशन कर दिया कि माइलिनेटेड जो है वो ज्यादा एक्शन पोटेंशियल को कैरी करता है। तो पहला क्या है,
द स्पीड ऑफ द कंडक्टेंस इन अ नर्व फाइबर इज डिटरमाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस एंड एक्सियल रेजिस्टेंस ऑफ एक्सोनल साइटोप्लाज्म. एकदम सही बात है. ये इसीलिए सही बात है क्योंकि जो इंटरनली आपके चार्जेस हैं, नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज, या फिर जो इंटरनली जितना भी आपका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, उसके थ्रू आप बिल्कुल डिटरमाइन कर सकते हैं स्पीड ऑफ द कंडक्टेंस. प्लस में आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस के थ्रू भी इसका कंडक्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं. सेकेंड क्या है, द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आर नॉट सिमिलर. एकदम सही, क्योंकि अगर आपको याद है माइलिनेशन एंड नॉन माइलिनेशन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एकदम अलग अलग होती है. कैसे अलग होती है? पहली चीज तो यह है, जो आपके नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उनमें स्वान सेल नहीं होती. स्वान सेल बेसिकली क्या होती है, लिपिड्स की बनी हुई होती है. स्फिंगोलिपिड उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है. तो वो इंसुलेटर होती है आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है. तो इस तरीके से अगर आप इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखें माइलिनेटेड की या नॉन माइलिनेटेड की, तो बिल्कुल अलग अलग होती है और सिमिलर नहीं होती. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. थर्ड क्या है, द माइलिनेटेड सीड डिक्रीज द इफेक्टिव मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस. एकदम गलत है, क्योंकि जो आपकी माइलिनेटेड शीट है वो इंक्रीज करती है इफेक्टिव मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस. अभी इफेक्टिव मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या है कि जैसे ही जब आप चार्ज की बात करते हैं तो इंटरनली जो है वो है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड, इंटरनली है आपका नेगेटिवली चार्ज, और आउटर सरफेस जो है वो है आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो इस तरीके से आयन का फ्लो जो है वो नॉन माइलिनेटेड में कंटिन्यूएशन में होता है. वहीं पर जो आपकी माइलिनेटेड शीट थी वहां पर जो नोड ऑफ रेनवियर थे वहीं पर बस आयन का फ्लो हो रहा था. तो अगर आयन का फ्लो एक पर्टिकुलर हिस्से में है तो ये क्या करता है कि इफेक्टिव मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है. लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि माइलिनेटेड शीट जो है वो डिक्रीज करती है इफेक्टिव. अगर ये मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रही होती तो एक्शन पोटेंशियल कम हो रहा होता, लेकिन ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज करती है, रेजिस्टेंस उसको करने देती है. उसी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो प्रॉपर मूव होता है, एक्शन पोटेंशियल या कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है. तो थर्ड जो है वो गलत स्टेटमेंट है, लेकिन हमसे गलत ही पूछा गया है. तो सी जो है वो हमारा सही है. अब सी अगर हमारा सही है तो या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ना ये होगा ना ही ये होगा. अब चलो डी पढ़ते हैं. डी क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल डिक्रीजेज मोर विद द डिस्टेंस अलोंग विद द एक्सोन इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर देन द अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर. ये भी एकदम गलत स्टेटमेंट है. यदि अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा होता माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, तो जब हम ये बात कहते हैं कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर बहुत अच्छे हैं इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, तो ये बात तो एकदम गलत हो जाती है. हम क्या कहते हैं कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है दे हैव द हाइस्ट कैपेसिटी टू कंडक्ट हायर एक्शन पोटेंशियल कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर. तो आपके जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है उनमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जो आपके नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है अगर इस स्टेज में एक्शन पोटेंशियल होगा तो सोडियम का डिफ्यूजन होता है सेकंड पार्ट में, फिर सोडियम का डिफ्यूजन होता है थर्ड पार्ट में. तो इस तरीके से यहाँ पर जो है करंट या फिर जो आपका पोटेंशियल है वो इस तरीके से मूव कर रहा होता है, लेकिन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ऐसे मूव ही नहीं कर रहा, वो तो सीधा जाता है, सडन इंक्रीज होता है, सडन इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ. तो डिस्टेंस के साथ माइलिनेटेड नर्व फाइबर का जो एक्शन पोटेंशियल है वो डिक्रीज नहीं होता है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर का जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिक्रीज होता है. तो आपका ये स्टेटमेंट एकदम गलत है. फिर इतने में ही आपको आंसर मिल गया कि जो आपका आंसर सी है, जो ऑप्शन सी है सी एंड डी वो ही सही है. चलो ये भी पढ़ लेते हैं. ये क्या है, द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एट द नोड ऑफ रेनवियर. एकदम सही है, ये तो हमने डायग्राम में ही पढ़ा था कि जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो नंबर है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल का वो बहुत ज्यादा होता है नोड ऑफ रेनवियर पे, और जहां पर आपका माइलिनेशन होता है, जहां पर आपकी स्वान सेल की फोल्डिंग होती है, वहां पर नहीं होता है. तो इस तरीके से अब आप ये समझ गए. अब आपने इसमें भी देखा कि बहुत ऐसा भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं था. अगर आपको बस इतना ही पता है कि माइलिनेशन एंड नॉन माइलिनेशन में किस तरीके से कंडक्टेंस होता है तो उतने में ही आप इसको सॉल्व कर लेते. अब नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर सी है. ये एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने के लिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा गया, इसमें भी करेक्ट पूछ रहे हैं, एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं तो करवाऊंगी ही। क्या है, इन द नर्वस सिस्टम द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एज एक्सॉन हिलॉक इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड इट्स कंडक्टेंस टू द टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन, द लोकेशन स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स डायरेक्शन स्पेसिफिक कंडक्टेंस आर एक्सप्लेन्ड बाय रिसर्चर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कुछ नहीं कहा, इसमें बस ये कहा है कि जो एक्सॉन हिलॉक हैं, जो बेसिकली नर्व एंडिंग्स होती हैं, वहाँ पर अगर आप एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट कर रहे हैं तो कुछ ही रिसर्चर ने अपने स्टेटमेंट को प्रपोज्ड करा है, तो आपको वो ही पढ़ना है। फर्स्ट क्या है, द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन हिलॉक हैज द हाइएस्ट थ्रेशोल्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब ये जो बात है ये एकदम गलत बात है। कैसी गलत बात है, पहला तो क्या है कि ये कह रहे हैं द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन हिलॉक हैज द हाइएस्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अगर इनके पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऑलरेडी होता फॉर द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल तो क्या है ना जरूरत होती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई की, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जब आपको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलेगा, जब आपके सोडियम आयन मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल के थ्रू अंदर आएंगे, जब वो -70 से -60 थ्रेशोल्ड करेंगे, तब जाके आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो जो ये पहला ऑप्शन है कि उनके पास ऑलरेडी हाईएस्ट थ्रेशोल्ड है, ये गलत बात है। सेकंड क्या है, द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन हिलॉक कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ये एकदम सही बात है, अगर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स इनके पास सबसे ज्यादा होते हैं, उसी चक्कर में होता क्या है कि ये बहुत ज्यादा एक्शन पोटेंशियल को जो है कंडक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है और जैसे ही इनको थ्रेशोल्ड मिला सारे आयन चैनल ओपन हो जाएंगे और सोडियम जो है अंदर आना शुरू हो जाता है। तो आपका बी स्टेटमेंट सही है। जब आपका बी स्टेटमेंट सही है तो आपको ना सी पढ़ना है ना डी देखना है, बी में आपने देखा कि या तो ए सही होगा या सी। अब आपको ऑलरेडी पता है कि ये तो गलत है, तो अब सी ही सही होगा, आपको आंसर ऑलरेडी ही मिल गया। ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। सी क्या है, द प्रोपोगेटिंग एक्शन पोटेंशियल इन अ मिडल ऑफ द एक्सॉन कैन नॉट जनरेट अनदर एक्शन पोटेंशियल इन अ डायरेक्शन ऑफ सेल बॉडी सिंस द लार्ज फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल इन द प्रोसीडिंग पोर्शन इन वोल्टेज इनएक्टिवेटेड। एकदम सही है। ये क्या कह रहे हैं कि एक बार एक्शन पोटेंशियल आपका जैसे ही जनरेट हुआ तो सेकेंड टाइम में ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स हैं इन द प्रोसीडिंग पोर्शन इन वोल्टेज इनएक्टिवेशन, क्योंकि जो आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है वो अभी इनएक्टिवेट हुए, क्लोज नहीं हुए हैं, और ये एग्जांपल है एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टरी पीरियड का। क्योंकि जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड था उसमें हुआ क्या था कि जो आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल हैं वो इनएक्टिवेट हुए थे, क्लोज हो गया था, उनका जो एक्टिवेशन गेट है वो ओपन था, इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो गया था, तो उस स्टेज को कहा था इनएक्टिवेटेड स्टेज। स्टिल वो अभी क्लोज नहीं हुए हैं, तो अगर क्लोज नहीं हुए हैं जब तक वो प्रॉपर रेस्टिंग स्टेज में नहीं आएंगे तो सेकंड एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। तो ये जो आपका थर्ड स्टेटमेंट एकदम सही है। फोर्थ क्या है, एज द नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल इज लेस इन द प्रोसीडिंग पोर्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। देखो ये सिंपल, ये क्या कह रहे हैं, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें ये कह रहे हैं कि जो आपका एक्शन पोटेंशियल है वो बेसिकली डिपेंड ये करता है कि आपका नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल इज लेस इन प्रोसीडिंग पोर्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल द प्रोपोगेटिंग एक्शन पोटेंशियल इन अ मिडिल ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आप मिडिल में एक्सॉन जो एक्शन पोटेंशियल है उसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये नहीं गया है तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि लेस नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल थे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, अगर नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स कम होंगे तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क पड़ता है एक्टिवेशन से इनएक्टिवेशन में। अब जैसे नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल कम है लेकिन वो क्लोज है तो आपका एक्शन पोटेंशियल तो मूव कर जाएगा। ये मूव कब नहीं करेगा, जब आपके वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो है इनएक्टिवेट रहे या एक्टिवेट रहे। तो जब आपका स्टेटमेंट थर्ड है वो सही है, जो आपका बी है वो भी सही है, जो आपका डी स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इस तरीके से बी और सी वाला जो है वो सही है। तो आप देखिए स्मार्ट तरीके से भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट पढ़ो,
पहले देख लो कौन से में है, बाकी का हमें छूना ही नहीं है। ये क्या है ना कि आपको टाइम, जैसे ही आप CSIR का एग्ज़ाम दोगे तो इतना तो टाइम रहता नहीं है, इस अप्रोच को ही आपको फॉलो करना है। एक से दो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन में देखिए, अच्छा हाँ ये इसमें है इसमें है, तो ये हो सकते हैं, बाकी के दो या तीन और जो आपके ऑप्शन है उनको एक्सक्लूड करो। तो इसका आंसर क्या है, बी है, ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, अब जरा इसको सॉल्व करो। इसमें क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें पूछ रहे हैं हमारे करेक्ट। अब करेक्ट हमसे पूछा गया है। अब जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो एक अप्रोच और बिल्कुल आपको फॉलो करनी है। कौन सी, जैसे आप स्टेटमेंट वन देख रहे हैं एंड सेकंड देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट है, ये तो हमें पढ़ने ही नहीं, हम शुरुआत करेंगे छोटे स्टेटमेंट से। कई बार क्या होता है बेटा, जो छोटे स्टेटमेंट होते हैं उन्हीं में आपको आंसर्स मिल जाते हैं। आपके तीन छोटे स्टेटमेंट हैं तो उनमें से दो स्टेटमेंट आपको ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिनमें आपके जो आंसर्स हैं वो आपको मिल ही जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपका टाइम भी जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है उससे बच जाएंगे, और छोटे स्टेटमेंट आपको इजीली समझ भी आ जाते हैं। तो हम इसमें यही अप्रोच फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको पढ़ते हैं। द एक्सप्लेनेशंस फॉर इंक्रीज कंडक्टेंस वेलोसिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर एज कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर ऑफ द सेम डायमीटर आर सजेस्टेड ब्लू। ठीक है, ये अगेन माइलिनेशन है, नॉन माइलिनेशन से रिलेटेड है। अब ये क्या सजेस्ट करें, पहले हम यहाँ से ही शुरू करते हैं। सी स्टेटमेंट पढ़ लो, ए और बी हमें थोड़ा बड़ा लग रहा है, हम सी पढ़ते हैं। पहले क्या है, द एक्शन पोटेंशियल ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर डू नॉट हैव हाइपर पोलराइजिंग इफेक्ट लाइक नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। एकदम सही बात है। ये क्यों बात सही है, क्योंकि ये कह रहे हैं हाइपर पोलराइजेशन नहीं होता। अब आपको याद है हाइपर पोलराइजेशन बेसिकली कैसे हो रहा था, जब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल स्टिल ओपन थे तो जहाँ पे 70 की जगह वो -90 आ रहा था, तो उस वजह से आपका हाइपर पोलराइजेशन होता था। लेकिन मैंने आपको बताया जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, जो आपके नोड ऑफ रेनवियर्स हैं, उनमें आपका केबल और केबल क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल नहीं होते, या होते हैं बहुत माइन्यूट होते हैं। उसी चक्कर में डीपोलराइजेशन नहीं होता माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल भी थे प्लस सोडियम भी थे। तो ये स्टेटमेंट जो है एकदम सही है। नेक्स्ट आपका क्या है, द रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड इज नॉट एक्सटेंड इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर लाइक दैट ऑफ द नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ये भी बात एकदम सही है, क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड किस वजह से हो रहा था, वो एक स्टेज थी आपकी रीपोलराइजेशन से लेके हाइपर पोलराइजेशन के बीच की। तो रीपोलराइजेशन भी अगेन आपके सोडियम परमिबिलिटी की वजह से होता है, एंड हाइपर पोलराइजेशन भी आपका जो सोडियम इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जब ज़्यादा जाने लगता है तब होता है। लेकिन ऑलरेडी जब हमें पता है कि सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है या सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल यहाँ पर नहीं है, तो ये भी बात एकदम सही है कि माइनलेशन में रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा, वहीं पर नॉन माइलिनेशन में बिल्कुल होता है। अब थर्ड जो है वो थर्ड क्या है, मतलब ई क्या है, द एक्सोलेमा एट द नोड ऑफ रेनवियर लैक द के आयन चैनल। एकदम सही बात है। तो देखो आपने सी डी एंड ई पढ़ा और उतने में ही हमें अपना मिल गया ऑप्शन, और इसका सही आंसर सी डी ई ही है। अगर आपको एकदम स्ट्रिक्टली पता है, चलो नहीं भी पता कन्फर्मेशन के लिए ये भी पढ़ लेते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर मेटाबोलिकली लेस एक्टिवेटेड एफिशिएंट। नहीं, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं वो मेटाबोलिकली हाईली एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इनमें एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो सबसे करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपने खुद देख लिया, तो ये अप्रोच हमेशा याद रखनी है। अगर आपके बड़े स्टेटमेंट है पहले छोटे स्टेटमेंट को पिकअप करिए। सेकंड थिंग इज दैट अगर सारे बड़े स्टेटमेंट है तो दो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरे कंसेप्ट को याद कर लेना है, दो ही स्टेटमेंट में आपका जो पूरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। थर्ड थिंग इज दैट जो आपके एनिमल फिजियोलॉजी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये जो क्वेश्चन है देखो ये 2022 का ही है, 2022 अभी रिसेंट ही क्वेश्चन, कितनी इजीली आपने सॉल्व कराओ। मैंने इस लेक्चर में आपको ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा है, केवल मैंने एक्शन पोटेंशियल ही आपको अच्छे से बताया है, उतने में ही आपने अपनी ये सारी, और ये जितने भी एक्शन पोटेंशियल से क्वेश्चन पूछे गए वो 4-4 मार्क्स के हैं। तो इसका आंसर सी है जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे,
तो ये आज हमारा एक्शन पोटेंशियल का जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गया है। तो मैंने बताया था कि जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और आज एक्शन पोटेंशियल ख़त्म कर लिया है। फिर हमारी सेंसरी बायोलॉजी थी जिसमें हमने ईयर और आई का फिजियोलॉजी पढ़ना है, लेकिन मैंने सोचा है वो मैं एंडोक्राइनोलॉजी की बात बताऊंगी, क्योंकि जब आप एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ लेंगे तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो तब तक आपको क्या करना है कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, यहाँ पर मैं आपको बेसिक से नहीं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेसिस हैं वो सब बता रही हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही हम कवर कर रहे हैं। आपको करना क्या है, इनको अच्छे से रिवाइज करना है और रिकॉल भी करना है। और आप देखेंगे कि आप जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे, प्लस में मैं कुछ दिनों बाद न्यू क्वेश्चंस भी इसी तरीके के लेके आऊँगी CSIR के लिए, तो आप वो भी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, रिवीजन करना एंड रिकॉल करना। जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होगी मे बी मैं उसमें आपको कार्डियक साइकिल पढ़ा दूंगी या ECG पढ़ा दूंगी, कुछ भी पढ़ा दूंगी, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे स्विच करेंगे। और सेंसरी बायोलॉजी हम कुछ दिन बाद पढ़ेंगे जब हमारी एंडोक्राइनोलॉजी जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी थी। इसके अलावा अगर आप किसी डिफरेंट टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें इजीली बता सकते हैं। तक आप रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।